अस्सलाम वालेकुम, रंगन भरी शाम में मातानी होस्ट रही दोस्त अज़रा खान, मुझे तरफा था सभी के सलाम कबूल हुए। कि आयो ठीक आयो, उम्मीद क्यों था खुश हों, हमेशा वागुर अज भी असानी यही दुआ है, जिथे हो खुश हो, सदाई में एक दाई मुस्कुराइंदा रहो, एक बे के दुआ में याद रखंदा कयो। हमेशा प्रोग्राम के स्टार्ट में मां यही चवंदी आया त हमेशा एक बे के पंजी दुआ में याद रखंदा कयो, छो त फकत एक दुआ ही हुंदी आ जेका असांजी ईंदड़ जेका मुश्किल आहे या का मुसीबत आहे उहा टारे छॾींदी आहे, या असांजी जेका तकदीर आहे फकत एक दुआ सां ई उन में थोरी चेंजिंग थी वेंदी आहे। सो बहरहाल एक बे के पंज दुआ में याद रखंदा कयो, एक बे के मुराद इन लाइ त जॾहिं असां कंहिं ॿिए जे लाइ दुआ कंदा आहियूं त असांखे पंहिंजे लाइ दुआ घुरण जी ज़रूरत ई नाहे पवंदी। सो बहरहाल असां पंहिंजे प्रोग्राम खे अॻिते वधाईंदा हलंदासीं। अॼु जेको आहे असां कंहिं न कंहिं टॉपिक ते हमेशा ॻाल्हाईंदा आहियूं, पर अॼु असांजो टॉपिक आहे एम, मक़सद। त इंसान जा काफ़ी घणा मक़सद हूंदा आहिनि जिन खे वठी करे असां पंहिंजी ज़िंदगी ज़ाहिरी ॻाल्हि गुज़ारींदा आहियूं। हिकिड़ो असां जेको एम अहिड़ो हूंदो आहे जेको पूरो थींदो आहे, वरी असां चवंदा आहियूं हाणे हिन ॿिए टारगेट खे असां पूरो करे ॾेखारियूं या पूरो कयूं। त छा अहिड़ो को तव्हांजो मक़सदु आहे जंहिंमें अञा ताईं तव्हांखे कामयाबी नाहे मिली, या अञा ताईं तव्हां स्ट्रगल में आहियो, अञा ताईं कोशिश में लॻा पिया आहियो पर उहा शइ अञा ताईं कामयाबु न थी सघी आहे? त असां पंहिंजे व्यूअर्स खां, असांजे जेके कॉलर्स हूंदा, असांजा जेके गेस्ट अॼु असां सां गॾु हूंदा, असां उन्हनि खां अॼु पुछंदासीं त उहो कहिड़ो एम आहे जंहिंजे पोयां अञा ताईं स्ट्रगल कयो पिया पर अञा तव्हांखे कामयाबी न मिली सघी आहे, या थी सघे थो केरु कंहिं कंहिंजे नसीब में हूंदा थोरी स्ट्रगल करण खां पोइ उन्हनि जो मक़सदु जेको आहे उन्हनि खे मिली वेंदो आहे, उहे पंहिंजे मक़सद में कामयाबु थी वेंदा आहिनि। ऐं काफ़ी माण्हू ईअं हूंदा आहिनि त स्ट्रगल कंदा रहंदा आहिनि ऐं उन शइ ताईं न पुॼी सघंदा आहिनि। काफ़ी माण्हू अध में ई छॾे ॾींदा आहिनि, काफ़ी माण्हू वरी लास्ट ताईं जेको आहे कोशिशि कंदा आहिनि। त कोशिशि करण बि खपे, छो जो चवंदा आहिनि त कोशिशि जेका आहे उहा कामयाबीअ जी कुंजी हूंदी आहे। ऐं हमेशह जॾहिं कंहिं कम में तव्हां दिलि सां हथु विझंदा आहियो या दिलि सां करणु चाहींदा आहियो ऐं नेक नियति सां कंदा आहियो त उन में अलाह साईं बि तव्हांजी जेको आहे मदद कंदो आहे। सो अॼु ॾिसंदासीं त केतिरा असांजा कॉलर्स आहिनि या केतिरा असांजा जेके ॾिसंदड़ आहिनि व्यूअर्स आहिनि, ख़बर पवंदी त कंहिं कंहिंजा केतिरा एम जेके आहिनि उहे पूरा थिया, कंहिं कंहिंजा अञा रहिजी विया आहिनि, अञा स्ट्रगल हले थी पई, अञा महिनत कनि था पिया उन्हनि ते, ऐं कंहिंजो वरी लक सुठो आहे वधीक, जंहिंजो माना कोशिशि करण में ई जेको आहे हू कामयाबी जी तरफ़ अची वेंदा आहिनि। सो अॼु ॾिसंदासीं त कंहिं कंहिंजा मक़सदु पूरा थी विया आहिनि ऐं या अध में रहियल आहिनि, या वरी जेको आहे बसि मक़सदु हेॾा कयोसीं असां पंहिंजे माइंड में त भई मुंहिंजो हीउ एम आहे मूंखे पूरो करिणो आहे ऐं हेॾा असांजो पूरो थी वियो। छो जो ॾिसो दुआऊं बि ईअं हूंदियूं अथव त जॾहिं असां का दुआ कंदा आहियूं त फौरन पूरी थींदी आहे, असां चवंदा आहियूं आई असां कुझु ॿियो मतिलबु घुरूं हा अला साईं खां त शायदि असांजी क़बूलियत जी घड़ी असांखे इहा शइ बि मिली वञे हा। सो कॾहिं कॾहिं फौरन दुआ क़बूल थींदी आहे, कॾहिं कॾहिं दुआ जेको आहे देरि सां क़बूल थींदी आहे, कॾहिं कॾहिं वरी उनजो सिलो चवंदा आहिनि त आख़िरत में मिलंदो आहे इंसान खे। ऐं क़ुरान पाक में बि ऐं माना में ॿुधायो वेंदो आहे, जॾहिं तव्हां क़ुरान पाक जी माना ॿुधंदा आहियो क़ुरान शरीफ़ त चवंदा आहिनि त असां जेके बि दुआऊं आहिनि असां जॾहिं दुआ घुरंदा आहियूं त का बि रद्द न वेंदी आहे, बज़ाहिर ई असांखे ईअं लॻंदो आहे त असांजी का दुआ पूरी नथी थिए, पर आख़िरत में असांखे उनजो सिलो मिलंदो आहे ऐं आख़िरत में उन्हनि जो सिलो अहिड़ो सुठो मिलंदो आहे जो इंसान वरी मतिलबु हू कंदो आहे त शायदि ज़िंदगी में मुंहिंजी का दुआ पूरी न थिए हा, त उन सभिनी दुआउनि जो सिलो मूंखे हिते मिले हा। सो मक़सदु बि ईअं ई आहे त मक़सदु खे वठी करे असां हलंदा आहियूं, अॼु कॾहिं कॾहिं असांजा मक़सदु पूरा थी वेंदा आहिनि जल्दी, वरी असां को ॿियो मक़सदु खणंदा आहियूं, वरी को ॿियो खणंदा आहियूं, त लक हूंदो आहे इन शइ में। ॾिसंदासीं केतिरनि माण्हुनि जो लक आहे, केतिरा माण्हू लकी आहिनि जेके पंहिंजे मक़सद में जल्दी जल्दी कामयाबु थींदा आहिनि। सो जल्दी जल्दी असांखे कॉल कयो ऐं असांजो टॉपिक आहे मक़सदु, इन ते ॻाल्हाईंदासीं। ऐं ज़ाहिरी ॻाल्हि जेका ओवरऑल सिचुएशन हले पई इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं, गेस्ट हूंदासीं असां, खोड़ सारी कचहरी कंदासीं उन्हनि सां, खोड़ सारा सवाल हूंदा ऐं जेके माण्हू असां सां गॾु हूंदा उहे तव्हां टीवी स्क्रीन ते पहिरियां बि ॾिसी चुका आहियो त असां सां केरु गॾु हूंदो। बहरहाल उन्हनि खां बि पुछंदासीं त हिन फील्ड में जंहिंजे फील्ड सां हू लाॻापियल हूंदा त उन्हनि खां बि इहो पुछंदासीं त हिन फील्ड में त तव्हां आहियो पर इन खां अलावा जेको तव्हां जेको मक़सदु आहे या हीउ मक़सदु हुयो जेको तव्हां हिन फील्ड में अची चुका आहियो त तव्हांजो पूरो थी वियो आहे। ॾिसंदासीं त केतिरा ख़ुशनसीब माण्हू आहिनि जेके पंहिंजे मक़सदनि में कामयाबु थिया आहिनि, या केतिरा आहिनि जेके अञा ताईं कोशिशि कनि पिया, या केतिरा आहिनि जेके कोशिशि करे करे थकिजी पिया आहिनि पर अञा ताईं कुझु बि नथो थिए, ऐं काफ़ी माण्हू वरी अध में छॾे बि ॾींदा आहिनि त ठीकु आहे बसि हीउ मुंहिंजो मक़सदु या हीउ मुंहिंजो एम पूरो न थियो, मां हिन में कामयाबु न थियुसि त मूंखे छॾणु खपे। पर जेको चवंदा आहिनि त पाण ते हूंदो आहे, अगरि असां हार मञंदासीं त हार थी वेंदी, ऐं अगरि असां मञंदासीं त न असांखे इन में जीत खपे, माना असां खटे वेंदासीं इन में त पोइ असां खटे वेंदा आहियूं, छो इहो सभु कुझु पंहिंजे माइंड ते हूंदो आहे।
ऐं पंहिंजी ज़हनियत ते हूंदो आहे। अगरि तव्हां कंहिं शइ खे नेगेटिविटी सां ॾिसंदव, नेगेटिव आहे त उहा तव्हांखे नेगेटिव थी मिलंदी, अगरि पॉज़िटिविटी सां ॾिसंदव त पॉज़िटिव आहे त पॉज़िटिव मिलंदी, छो जो सोचुनि ते डिपेंड करे थो सभु कुझु। सुठो सोचींदा आहियूं त सुठो ई थींदो आहे, अगरि बुरो सोचींदासीं त बुरो ई थींदो। पर हमेशह सुठो सोचणु खपे शयुनि में, खाइण में, पीअण में, कपिड़नि में, लटण में, उथण में, वेहण में, ऐं माण्हुनि में बि त असांखे सुठा माण्हू मिलिया आहिनि। या हीउ जेको असां खाधो पीतो खाऊं था, असांखे सुठे में सुठो खाइणु खपे, भले सिंपल ई हुजे पर सुठे खां सुठो साफ़ सुथिरो खाइणु खपे, त उहे शयूं उन माण्हू खे वरी ओड़े तरीक़े सां मिलंदियूं आहिनि। ऐं काफ़ी माण्हू चवंदा बसि ठीकु आहे जेको आहे ठीकु आहे ओके, ऐं पोइ वरी उन्हनि खे उन तरीक़े सां मिलंदियूं आहिनि। सो हमेशह जेको आहे पॉज़िटिव सोचो, ऐं सुठो सुठो खाईंदा पीअंदा कयो, ऐं सुठा कपिड़ा पाईंदा कयो, ख़ुशि रहंदा कयो, ॿियनि खे बि ख़ुशि रहणु ॾींदा कयो, ऐं हमेशह ॿियनि जे लाइ आसानियूं पैदा कयो। छो जो असां कंहिं हिकु माण्हू जे लाइ आसानी पैदा कंदा आहियूं त कुदरतनि तरफ़ां जेका पूरी काइनात मिली करे असांजे लाइ आसानी पैदा कंदी आहे। छो जो ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे अलाह साईं मदद माण्हुनि जे ई थ्रू कंदो आहे, उहे वसीला हूंदा आहिनि असांजा जंहिंजे थ्रू असांजी हेल्प थींदी आहे। कंदो त अलाह साईं आहे पर कंहिंजे थ्रू कंदो आहे। इन जे करे तव्हां ॿियनि जे लाइ आसानियूं पैदा कयो त अलाह साईं तव्हांजे लाइ आसानियूं पैदा कंदो। ऐं ज़िंदगी जो मक़सदु असल में हक़ीक़त बि इहा ई आहे त असां जंहिं मक़सद जे लाइ हिते आंदा विया आहियूं उन त कोई ॾिसे ई नथो, हर को पंहिंजी नफ़्सा नफ़्सी में जेको आहे पूरो आहे। सो बहरहाल कोशिशि कंदा कयो त अगरि कंहिंखे ॾियो नथा त ॾुखायो बि न, ऐं जेकॾहिं कंहिंखे ॾेई सघो था, ॾींदड़ आहियो, अलाह साईं तव्हांखे ॾिनो आहे त पोइ वधि खां वधि ॾियो। छो जो असां ॾिसो कॾहिं कॾहिं हिकु सची ॻाल्हि आहे पर थोरी कड़वी आहे, असां ख़ुशामद ॾाढी कंदा आहियूं, इंसानु ख़ुशामद ॾाढी कंदो आहे त माना मुंहिंजो नालो थिए, मां सभिनी खे वणां, ऐं केरु मुंहिंजे नाल हीअं चए त भई अज़रा हेतिरो ॾिनो, अज़रा हीअं कयो, अज़रा हूअं कयो। पर अगरि असां उहो सभु कुझु अलाह जो ख़ौफ़ रखी दिलि में कंदासीं या अलाह जे लाइ कंदासीं त उहो वधीक सुठो आहे। बहरहाल कॉल आहे, कॉल वठंदासीं, ॾिसंदासीं कॉल ते केरु आहे। हलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आवाज़ नथो अचे, कॉल जेका आहे डिसकनेक्ट थी वई आहे, ऐं शायदि सिग्नल जो प्रॉब्लम हुयो, ऐं फर्स्ट कॉल ई फर्स्ट कॉल जेका आहे नो प्रॉब्लम। तव्हां वरी कॉल ट्राए कयो, ज़रूरु तव्हांखे कॉल मिली वेंदी, ऐं अॼु जो जेको असांजो टॉपिक आहे उन ते ज़रूरु ॻाल्हाइजो, उनजो ज़रूरु जवाबु ॾिजो त कहिड़ो तव्हांजो मक़सदु जेको आहे पूरो थी वियो आहे, ऐं कहिड़ो अञा रहियल आहे ज़िंदगी में, कहिड़ो मक़सदु आहे जंहिंमें अञा ताईं तव्हांखे कामयाबी नाहे मिली सघी। सो ॾिसंदासीं केतिरा माण्हू जेको आहे ख़ुशनसीब आहिनि जंहिंजे मक़सदनि में कामयाबी थी आहे, ऐं अञा ताईं ॿियनि जा रहियल आहिनि। सो बहरहाल मां इहा बि ॻाल्हि कई त जॾहिं बि तव्हां कुझु कंहिंजे लाइ कयो त अलाह जो ख़ौफ़ रखी दिलि में कंदा कयो या अलाह जे नाले ते कंदा कयो, ख़ुशामद न कंदा कयो। ख़ुशामद थोरी घटि करणु खपे इंसान खे, छो जो जो इंसानु इंसान खे सिर्फ़ु उन देरि उन घड़ी ताईं मञंदो आहे, वरी पोइ बाद में उहो नाहे मञंदो, उनखे कुझु यादि ई न हूंदो आहे तव्हांजो अछायूं, तव्हांजो जेके उन्हनि सां तव्हां जेके वक़्तु गुज़ारियो उहो कुझु बि उन्हनि खे यादि न हूंदो आहे, या तव्हां उन्हनि जे लाइ कुझु कयो उन्हनि खे यादि न हूंदो आहे, उहे वरी चेंज थी वेंदा आहिनि। पर अलाह साईं जेको आहे न उहो कॾहिं बि चेंज न आहे थींदो, ऐं अलाह साईं कॾहिं बि पंहिंजे बंदे सां ज़्यादातर नाराज़ बि ज़्यादा देरि ताईं रही बि न सघंदो आहे। तव्हां हिकिड़ो दफ़ो माफ़ी वठंदा आहियो, अलाह साईं फौरन माफ़ु करे छॾींदो आहे। सो बहरहाल जेको बि कयो उहो जेको बि अलाह साईं तव्हांखे ॾिनो आहे अलाह जे नाले ते कंदा कयो, अलाह खे ख़ुशि करण लाइ कंदा कयो, माण्हुनि खे ख़ुशि करण लाइ न कंदा कयो। असांखे ॾियणो त माण्हुनि खे ई आहे, अलाह जे नाले ते बि असांखे माण्हुनि खे ई ॾियणो आहे, पर उनजी रज़ा लाइ कंदा कयो, ॿियनि जे लाइ न। भले ॿियो कोई तव्हां मां ख़ुशि हुजे या न हुजे, अगरि अलाह साईं ख़ुशि आहे त पोइ कहिड़ी ॻाल्हि आहे, ज़ाहिरी ॻाल्हि ज़िंदगी आसान थींदी। बहरहाल मक़सदु आहे असांजो टॉपिक त ॾिसंदासीं कंहिंजा कंहिंजा मक़सदु पूरा थिया आहिनि, ऐं कंहिंजा कंहिंजा रहिजी विया आहिनि, कंहिंजा कंहिंजा अध में आहिनि, ऐं केरु केरु हिन वक़्त ताईं स्ट्रगल करे पियो। बहरहाल ब्रेक जो टाइम बि थियो आहे, ब्रेक खां पोइ असां सां महिमान बि गॾु हूंदा, कॉलर्स बि हूंदा, सो कारे न वञिजो, मिलूं था ब्रेक खां पोइ। वेलकम बैक रंगन भरी शाम में, एक दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी ॾिसंदड़नि खे भलीकार कयूं था। ऐं ब्रेक तां वञण खां पहिरीं जेको आहे मां तव्हांखे चयो त असां गेस्ट गॾु हूंदा, असां उन्हनि खां बि पुछंदासीं, पंहिंजे टॉपिक ते ॻाल्हाईंदासीं, उन्हनि सां बि असांजा जेके कॉलर हूंदा
उन्हनि खां बि पुछंदासीं। असांजो टॉपिक अॼु जो आहे एम मक़सद। इंसान जा काफ़ी मक़सद हूंदा आहिनि, पर काफ़ी माण्हू लकी हूंदा आहिनि जेके पंहिंजे मक़सद में जल्दी कामयाबु थी वेंदा आहिनि, ऐं काफ़ी जेके आहिनि स्ट्रगल खां पोइ थींदा आहिनि, ऐं काफ़ी वरी स्ट्रगल कंदा रहंदा आहिनि पर अञा ताईं मक़सदु पूरो नाहे थींदो। सो टे कैटेगरीज़ जा माण्हू हूंदा आहिनि, त ॾिसंदासीं त लॻभॻि केतिरा माण्हू आहिनि जंहिंजा मक़सदु पूरा थिया ऐं कंहिंजा अञा रहिजी विया आहिनि ऐं केरु अञा स्ट्रगल करे पियो। बहरहाल पंहिंजा महिमान बि असां सां गॾु आहिनि ऐं बिना देरि मां तव्हांजो तारीफ़ कराए लाहींदो आहियां। असां सां गॾु आहे AR जवाली साहब। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कीअं आहियो? मां बिल्कुलु ठीकु आहियां, शुक्र। तव्हां कीअं आहियो? बिल्कुलु ठीकु। ऐं वॾी महिरबानी तव्हां असांजे प्रोग्राम में। उन खां पोइ असां सां अलमास बलोच जेको आहे गॾु आहे, उहा ॾाढी सुठी होस्ट बि आहे, काफ़ी चैनल्स ते उन होस्टिंग कई आहे। उन खां अलावा असां जेके डॉक्यूमेंट्रीज़ ठहंदियूं आहिनि उन्हनि ते काफ़ी सारो कमु कयो अथनि, आउट ऑफ कंट्री बि वई आहे, उन्हनि खे बि असां वेलकम कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम अलमास। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र आपके सामने। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे लिए, हमारे शो में आई। थैंक यू, थैंक यू। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अच्छा, अलमास से पहले हम बात करेंगे, अलमास से हम पूछेंगे कि जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताएं, हमारे शो में आप फर्स्ट टाइम आई हैं, मेरे शो में, ठीक है? तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि आपने ये जो डॉक्यूमेंट्रीज पे आप काम करती हैं, ये आपको शौक था या कब से स्टार्ट किया आपने? बेसिकली मीडिया में आना मेरे लिए एक ड्रीम था। हाँ, क्योंकि मेरी स्टडी मोस्टली मेडिकल साइड में थी, मैं मेडिकल ग्रेजुएट हुई। अच्छा। फिर उसके बाद बाबा का शौक था कि मैं मीडिया में मेडिकल में जाऊं, बट अलमास का शौक था कि वो मीडिया में आए। सो अपने शौक को पूरा करने के लिए मीडिया में पांव रखा और सिंस 8 इयर्स मैं उसके साथ ही चल रही हूं। माशाल्लाह। और मेडिकल की भी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, बाबा को खुश कर लिया और अब अपने आप को खुश कर रही हूं। कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है भाई। देखिए, पेरेंट्स का भी ख्याल रखना चाहिए और अपना एम, हमारा आज का टॉपिक ही है एम, कि हमारे बहुत सारे मकसद होते हैं ना, कि आपके बाबा का एम था कि आप डॉक्टर बनो, ठीक है, आपका एम था कि आप मीडिया की तरफ ज्वाइन करो, तो इन्होंने दोनों पूरे किए हैं और पहला तो आपका पूरा हो गया, दूसरा भी आपका पूरा होने ही वाला है। असल में पता है कि इंसान जो होता है वो उसके ख्वाहिशात बढ़ती जाती हैं वक्त के साथ साथ। एक पूरी होती है तो दूसरी। एग्जैक्टली, जब एक ख्वाहिश आपकी पूरी होती है तो फिर दूसरी ख्वाहिश के लिए आप मचलने लगते हैं, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। हम किसी भी सूरत में कम्प्लीट नहीं होते और होना भी चाहिए, क्योंकि जब हम ख्वाहिशात रखते हैं तो फिर हमारी दुआएं निकलती हैं और अल्लाह को दुआएं मांगना पसंद है। पसंद है, बिल्कुल। इसलिए आप ख्वाहिशें रखें और दुआएं मांगते रहें। बिल्कुल, ॾाढी सुठी ॻाल्हि कई वाकई में। ऐं इंसान जी हिकिड़ी ख़्वाहिश पूरी थींदी आहे, असां चवंदा आहियूं वरी ॿी थिए, वरी इहा थी वई, वरी अलाह साईं हाणे ई ॾे। सो बहरहाल इहा ज़िंदगी आहे ऐं इहा ई ज़िंदगी आहे। छोजो अलाह साईं खे घुरण इलाही पसंदि आहे, अलाह साईं खे आज़िज़ इलाही पसंदि आहे, अलाह साईं खे निवड़त इलाही पसंदि आहे। बहरहाल जमाले साहिब खां पुछंदासीं, पहिरियां त तव्हां इहो ॿुधायो त ठीकु ठाकु आहियो, कीअं पियो हले तव्हांजो कमकार? शुक्र आहे, अलहमदुल्ला। छोजो असां जमाल साहब सां इन करे ईअं ॻाल्हाईंदा आहियूं त असांजो हिसो आहे, असां केटीन ते ज़ाहिर ॻाल्हि कंहिं फैसले तव्हां प्रोग्राम ॾिसंदा आहियो त असांजो माना घर जो भाती आहे। पाण त हमेशह किथे हूंदासीं। हा, बिल्कुल कोन्हे। हा, पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त तव्हां पुछो त कीअं पियो कमकार हले ॿियो टियो सभु। अलाए शुक्र आहे, जेके हालात हींअर हलनि पिया उन मुताबिक़ त ख़ैर उहा शइ न आहे कोन्हे। उमेद ते दुनिया क़ाइमु आहे, असां उमेद ते उमेद रखूं था अलाह ताला मतिलबु अॻिते हली सुठो थिए, इन लाइ कोशिशि कयूं पिया त अलाह कंदो अॻियो सुठो ई थींदो। बाक़ी ज़िंदगी में त ज़िंदगी में इंसानु अगरि इहे न हुजनि त पोइ हर इंसान खे ख़ुशि हुजे, अलाह त कंहिं माण्हू यादि बि न कनि पोइ वरी इहे शयूं। हाणे जेके ॾुखियो टाइम आयो आहे त माण्हू अलाए घटि में घटि यादि कंदा सभु। बिल्कुलु, हर माण्हू पंहिंजे कमनि में बिज़ी, पंहिंजे मसलनि में बिज़ी हूंदो आहे, यादि ई कोन्हे अलाह ताला करे। हाणे माण्हू खे मस्जिदूं यादि अचनि थियूं त निमाज़ूं यादि अचनि थियूं, सभु यादि अचनि थियूं। जेको जेको पंहिंजे मज़हब सां, जंहिंजो जंहिंजो जेको मज़हब आहे, जेको उन सां लाॻापियल आहे, उहो उनखे यादि अचे थो। जी बिल्कुल, क्योंकि इहे सारी चीज़ां भूल चुके थे। हक़ीक़त नफ़्सा नफ़्सी में इतना बंदा अॻे चला गया था क्योंकि हम भूल चुके थे। लेकिन वही बात है ना कि अल्लाह यही कहता है कि मैं हर जगह पर हूँ, और उसने मतलब एक इतना छोटा सा वो किया है और एक तिनका सा दुनिया में जो नजर भी नहीं आ रहा, जो नजर भी नहीं आ रहा और पूरी दुनिया हिल गई है। सो अल्लाह सभिनी खे जेको पंहिंजी पनाह में रखे। ऐं जमाली खां इहो पुछंदासीं, तव्हां मुख़्तलिफ़ चैनल्स ते प्रोग्राम कया आहिनि, माशाल्लाह तव्हांजो नालो आहे हिंद सिंध में, सुञाता वञो था। मां इहो पुछंदसि त KTN ते प्रोग्राम करण खां पोइ तव्हांखे उन प्रोग्राम जी केतिरी मोट मिली? ॾिसो, KTN हिकु त सिंधी पहिरियों चैनल प्राइवेट हुयो, ठीकु आहे, काफ़ी मतिलबु मुंहिंजी काफ़ी ख़्वाहिश मां KTN ते कमु कयां, ॿियनि चैनल ते सभिनी ते करे चुको आहियां, उर्दू मीडिया ते बि कयो आहे, पाकिस्तान टेलीविज़न ते बि कयो आहे, काफ़ी चैनल ते मां प्रोग्राम कया आहिनि, पर हिकिड़ी ख़्वाहिश हुई मुंहिंजी
मां के टेन प्रोग्राम के अलहमदुल्ला वो प्रोग्राम कर ख्वाब पूरा थो पूरा रमजान अस लाइव प्रोग्राम कर नेक्स्ट रमजान जो गुजरी हो वो भी अस प्रोग्राम कयोसे तो अल शुक्र सुठो आ मू पुछन था बेहतरीन प्रोग्राम आ पर एक गाल चैनल आज हर गोठ में गोठ में खैर हल तो पर मुल्क बाहर जिथे भी मूँ रे में बुधा प्रोग्राम प्रोग्राम था सही अच्छा जमाल यो पुछंदस तो नो डाउट सुठा शेफ आयो ठीक है पर तुम कैफे सिंध है पूरा रेस्टोरेंट है पूरा सेटअप ठहल है तो उते जाहिर गल बया शेफ रखा हूँ जहर एडा मू अचन था हर कैंकी पसंद होंगी हर कोई ऑर्डर पसंद से कह तो शेफ एज अ शेफ बुधायो तो शेफ में कड़ी क्वालिटी या कड़ी शे दिसंद आयो तो तुम उनके रखा आयो तो ही सुठो शे शेफ का पे कोई मोट इन घा मूंदा सर्टिफिकेट खड़ी फलानी जगह कम फलानी जगह कम फलानी जगह कम मुझे पेपर एक जगह रखो तुम फलानी शे दिखारे बस अच्छा प्रैक्टिकल जो सब कर जो खाधे पीते कम में प्रैक्टिकली हल्द तो घा जिनकी टेस्ट सुठी हुई हथ में उनके रखा न होंगी चाहे इतने बार मुल्क दुबई वगैरह में होंस उ भी ये मोट काफ़ी मूँ इंदा उ जॉब के लिए उत भी एग्जीक्यूटिव शेफ रो उ तो उत भी काफ़ी मूँ उन्होंने भी ये चवंस बाबा तुम फ्राई पान छुरी सब शुन फलानी शे दिखा अस जिनके हथ में टेस्ट होंगी तो ऑटोमेटिक रखा सही अच्छा खाण पीण की गाल हले थी तो अलमास खां में पुछंदा खाण पीण जो केतरो शौक है इतना ज्यादा नहीं है बट मुझे देसी खाने बहुत पसंद है अच्छा यस और बनाना आता भी है मुझे माशाल्लाह और माशाल्लाह ये जो आप बात कर रहे हैं कि केटीएन चैनल जो है वो इन्होंने कहा कि हमारे हर जगहों पर देखा जाता है नो डाउट और बेसिकली इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है ये आपके अपनी लोकल लैंग्वेज में है और वो लोग जो दूसरी लैंग्वेज समझ नहीं सकते तो वो भी इसको देखते हैं और उनको भी बहुत ज्यादा वो एजुकेट होते हैं घर में बैठे बैठे आपने उनको बहुत सारा रेसिपीज उनको बता दिए होंगे ड्यूरिंग रमजान ट्रांसमिशन के इसको ऐसे बनाते हैं सो बीइंग अ शेफ इज लाइक अ ब्लेसिंग के आपको अल्लाह की तरफ से आपके हाथों में कमाल होता है और वो आप लोगों को जो है फैसिलिटेट कर रहे होते हैं अच्छा जब भी आप कोई भी खाना बनाते हो ना चलो ये तो चलो शेफ है ये तो जाहिर सी बात है अच्छा खाना बनाएंगे लेकिन आप कभी भी खुद से भी कोई अच्छी चीज बनाओ कोई तारीफ कर लेने तो खुशी होती खुशी होती है पता चलता है कि आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप कुछ अच्छा बना सकते हैं बना सकते हैं सही बात है सारा दारोमदारी टेस्ट के ऊपर है अगर आप मिसाल के तौर घर में आप खुद खाना बनाती है तो जाहिर बात मेहमान आते हैं जो तारीफ करेंगे तो आपको खुशी होगी कि मेरे हाथ का खाना लोगों ने खैर तारीफ की तो यही हमारा मतलब ये कि लोग तारीफ करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर इतना खुद तो अभी नहीं कर रहा हूँ वहाँ पे मेरे स्टाफ सारा उनको सिखाता हूँ ये चीज़ सारा बनती है इस तरह बनती है एक बार सिखाता हूँ फिर दूसरी बार फिर मैं खुद टेस्ट करता हूँ कि वो चीज़ जो मैंने सिखाई वही है या नहीं अच्छा अगर कमी पेशी तो फिर उनको मुझे बताना पड़ता है इस तरह करना है अच्छा बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है ना कि आप जो खाना बना रहे हैं जैसे मैं अक्सर चाय बनाती हूँ तो मुझे अपनी चाय पसंद नहीं आती अच्छा और जब मैं अपनी भाभी को बोलती हूँ कि आप मेरे लिए चाय बनाएं तो वो चाय इतना अच्छा बनाती है मुझे उसकी चाय पसंद आ जाती है सही मैं फिर उसको कहती हूँ वो दो मिनट में चाय बना लेती जल्दी बना भी लेती और सबको पसंद भी आ जाता है मैं उनसे अक्सर पूछती हूँ कि आप ऐसा क्या डालती हैं चाय में सब कुछ वही है ये कुदरती है ये नहीं है कि बाल लोग बहुत सारी मेहनत करते हैं लेकिन वो टेस्ट नहीं आती लेकिन ये आपके हाथ में भी होनी चाहिए कुदरती काफी लोग ये होते कि सफाईदार भी होते हैं कटिंग में भी अच्छे होते हैं हर चीज प्रॉपर तरीके से रखते हैं लेकिन वो टेस्ट नहीं लाते तो ये वाकई में शायद नेचुरल है नहीं कुछ लोग कुछ ऐसा कंटेंट भी रखते हैं शेफ इनको अच्छे से पता होगा कि एक खासियत रखते हैं जो वो अपना एक सीक्रेट रखते हैं खाने में जो किसी और को वो बताते भी नहीं है और वो सीक्रेट जो वो खाने को बहुत ज्यादा टेस्टी बना लेता है ऐसा कुछ भी नहीं है मैं आपको बताऊँ ऐसा कुछ भी नहीं है और मेरा जो रेस्टोरेंट है कैफे सिंध के नाम से आपने शायद सुना होगा यानी तो वो उसमें टोटल बेसिक मेरा देसी फूड है और बहुत कम मसाले हैं लोग अच्छा। पता नहीं दुनिया भर के मसाले डालते हैं टेस्ट पैदा करने के लिए वो टेस्ट नहीं होती बल्कि जो इंसान खाता ना उल्टा बीमार हो जाता है तो ऐसा जो चीज मिसाल के बनती है अगर गोश्त बनता है तो उसमें गोश्त के मसाले डालने चाहिए और उसमें आप सब्जी के मसाले नहीं डाल सकते अच्छा आप दूसरी कंट्रीज में देखें तो ये सारा वायरस जो है वो हमारे पाकिस्तान में और इंडिया में और बांग्लादेश में है कि खानों में मसाले डालना और कंट्रीज में ऐसा नहीं होता कि आप खाना मसाले तेज मसाले वाले खाने सिर्फ हम ही खाते हम ही खाते हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं कॉल भी कॉल लेते हैं देखते कौन है हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम मिस्टर समर शाह हैदराबाद का वालेकुम सलाम
की आयो मिसेस समर शाह ठीक आयो बिल्कुल ठीक मजे में अल्लाह जी शुक्र है तां बुधायो बिल्कुल ठीक तां जे सामो प्रोग्राम दिसो था हां जरा रेगुलर कॉल रहे तो प्रोग्राम दिसन आसे तां जो बिल्कुल बिल्कुल सही छा चण चाहिदो जी प्रोग्राम सुठो आयल है जबरदस्त टॉपिक आयो दिसन जो फोन कनी है मजो अचे तो प्रोग्राम में कॉल करें शेफ भी तमाम सुठो है इन दाल सुठा खाधा रधन सिखारे बटे रेसिपीज मु ट्राई करूं हो पर तमाम जबरदस्त यानी आप सुठो वडिया सा एनकरेज करें ताजे मेहमान भी सुठा होंदा ता पान भी सुठा होंदा ताजी पूरी टीम लाई बेहतरीन है जेके कॉल मिलाइंदा हुए जबरदस्त है हेड्स ऑफ यू योर केटीएन एंड योर टीम वडी मेहरबानी अल्लाह हाफिज टेक केयर सो द हाना आदि जति मु ट्राई कई हूं हां सही तो ये काफ़ी मानू जिकन ट्राई कंदा ठाईंदा पुछंदा ये भी मुखा रिसीव मानू पुछंदा जिन मुझे नंबर आन वो मुखा हूं भी रिसीव पुछंदा मैं बुधा ही छिंदा सही मां का भी शेस मोटा मां लिखाइंदो कोना के भाई शे मुखे कौन बुधाई मां भी एक दफा पुछी हूं ता कर दिस अजरा मुखे बड़ो दुख आने गाली है मां रेसिपी पुछी मुखे रेसिपी बुधा जमाली साहब ही की पचाया चई हां हां मां मोकला दो रेसिपी अडी तई ना आई मुदे पोले केड़ी तो मुझे याद ही को नहीं मेरी बात सच हो गई ना हां दिसो नहीं यार असल में वो होश भी रही असल में ये है कि हम जाहिर से बातें एक ही जगह पे काम कर रहे होते हैं ना तो हमारी एक दूसरे के लिए उतनी वो नहीं होती बाकी बाहर वाले घर का बंदा जो होता है ना वो क्या कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर तो हमारा इतना वो नहीं होता बाकी जो दूसरे इनके व्यूअर्स हैं देखने वाले उनको तो ये देंगे ना हम तो एक बार बिल्कुल में सिखाया भी था सिखाया था तो सिखा नहीं सीखा वो तो मैं रोज सीखती थी वो नहीं तो... नहीं वो सीख नहीं हम एक प्रोग्राम था हम लोग साथ किया था हाँ साथ किया था बल्कि वो आपने सिखाई थी वेजिटेबल मिक्स वेजिटेबल बनाई थी मैंने हाँ, याद है बिल्कुल अच्छा ये मैंने सुना है कि अक्सर जो शेफ होते हैं उनको अपने मिसेस के खाने इतने पसंद नहीं होते अच्छा ये पूछेंगे हम नहीं मुझे मुझे सही अच्छा। मुझे मेरी मिसेस बड़े नुक्स निकालते हैं कि आप सच्ची बताएं आपने उनको सिखाया है खाना बनाना या वो खुद ही अच्छी शेफ है खुद अच्छा आता है बनाना अच्छा जो सुठी ठाई दी है वो मसला ना है अल्लाह ही टीवी पे नहीं कर तारीफ कर रहे हैं तारीफ कौन करना है घर जाना है इनको ना नहीं घर तो रोज इंदो एडी गल ना है घर तो रोज इंदो अल्हम्दुलिल्लाह पर गाली है जो ना मानी सुठी ठाई दी है हां हां मानी सुठी ठाई दी है वैसे शायद चुका है पर हुन जी या मतलब ख्वाहिश में रही है तो मुके चंदे आप आज क्या खाओगे अच्छा। लेकिन हां यो मम उन जी ख्वाहिश रही है तो उन कदे मुने चते जो है बना दो बस अच्छा बस जके बठाई सही ठाई दी है या ख्वाहिश जके ता जी रहे अडे से टॉपिक यो तो माने ऐसा को भी एम मकसद माने काम में उनमें सब कामयाब न थी सके ता जी जाल यो मकसद रह जे आ जाते त ता माने जो बोला ता माने ई छो कंदा हो अरब असा जो जिंदगी मुझे इन खादन में गुजरी आ अच्छा जमाली कॉल है कॉल ता वट हेलो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अदा छाला खुश है खरीसा अल्हम्दुलिल्लाह माल का ऐसा काम दा बा खुश है मैं बिल्कुल ठीक हां केड़े शर्मा किथे में गलायो मोरे माई ना आया मगर बता मोरे मां मोरे या केड़ा गर्मी आया ना मोरे में देखो के माड़ी का आया मार गया तो मोरो माड़ी मां आया मार जी जी अदा जको है वेलकम खई दा प्रोग्राम में छाला भा ठीक आयो ऐसा अधिक कहां खुश हो गया अल्लाह जो शुक्र है छा चण चाहिदो भा अदी असा यो कौन दा सर ऐसी काम चंदो आ मस्त में कामयाब सा कोई मतलब चंदो होतो है सही जी 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 मकसद खोड़न से हजांगा जी कुत्ते जो जैम से दा मोहब्बत हुंदी आ जोंदो आ ना से में कामयाब क्या ता उन में थियो या ना तानी स्ट्रगल हले थी ता कामयाब ना थिया अन्या ना थिया ओहो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर ता पे मकसद में कामयाब थिनो आई ब्रेक जो भी टाइम थियो है ब्रेक वठु ता थैंक्स फॉर कॉलिंग मिलु ता ब्रेक खापर वेल
वेलकम बैक रंगन वरी शाम में एक दफो बीहर सभी के भली गार क्यों था जमाल गड है अलमास भी गड है असि खूबसूरत कचहरी हल पी अलमास का पुछासी तो ही जो एज अ होस्ट भी आहिन, होस्ट भी ही कन्न तो जो डॉक्यूमेंट्रीज ठाईन उन पा ही होस्ट कन्न या उन कोई बो सिलेक्ट कन्न मोस्टली तो मैं हमारे यहाँ डॉक्यूमेंट्रीज के कुछ एसओपीज होते हैं कुछ कंटेंट होते हैं कुछ क्राइटेरियाज होते हैं उसमें ये होता है कि डॉक्यूमेंट्री मोस्टली प्रेफर किया जाता है कि ऐसे वॉइस ओवर हो और उसी को आप कंपाइल करके सबमिट करें लेकिन कुछ ऐसे हमारे क्लाइंट्स होते हैं जो चाहते हैं कि कोई एक रिप्रेजेंटर हो जो अपने कैमरे में आकर उसको रिप्रेजेंट करें सो बेसिकली डॉक्यूमेंट्रीज दो तरह के होते हैं एक तो वो होता है जिस पर आप कोई कंटेंट करंट अफेयर का यूज़ करें और उसको आप वॉइस ओवर में तब्दील करके प्रेजेंट करें और कुछ ऐसा होता है लाइक कल्चरल होता है या किसी अच्छे इंटरटेनमेंट बेस पर होता है तो उसमें आपको एक होस्ट की ज़रूरत होती है कि आप उसको रिप्रेजेंट करें बेसिकली बीइंग अ होस्ट प्रोग्राम होस्ट होना उसके लिए आपको बहुत महारत की ज़रूरत होती है बिकॉज आप एक कैमरे को फेस करते हैं आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज देखनी पड़ती है अपनी स्किल्स देखनी पड़ती हैं कम्युनिकेशन दोनों बहुत डिफरेंट हैं कैमरे के पीछे काम करना और कैमरे के सामने काम करना बोथ आर डिफरेंट अच्छा अच्छा देखिए आप तो चलो होस्ट हैं लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह बन जाती हैं लेकिन आपके पास टाइम नहीं होता उसको होस्ट करने को तो आप किसी दूसरे को सिलेक्ट करती हैं तो आप क्या देखेंगी उसमें सबसे पहले तो मैं ये देखूंगी कि मेरा कंटेंट उस पर सूट कर रहा है या नहीं, कर रहा। एग्जैक्टली आप वो इंटरटेनमेंट की अगर होस्ट है उसको मैं करंट अफेयर का कंटेंट दे दूँ तो उसके एक्सप्रेशन वो नहीं निकलते जिस तरह वो एक करंट अफेयर का होस्ट होता है वो यूं करके बात कर रहा होता है हाथों को यूं एक भारी आवाज चाहिए होता है कि भाई ये स्टाइल मार के और जो हमारे एंटरटेनमेंट की होस्ट होती है बड़ी सॉफ्ट बड़ी प्यार से स्माइलिंग फेस के साथ सबसे पहले तो मैं ये चेक करती हूँ कि उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि वो हमारे कॉन्टेंट को उठा सके फिर उसके बाद उसके ऊपर काम होता है स्क्रिप्ट होती है उसको दी जाती है स्टोरी बोर्ड होता है उसको रटवाया जाता है कि आपको ये अल्फाज बोलने क्योंकि चूंकि आप माशाल्लाह खुद भी मीडिया पर्सन है आपको पता होगा कि आपका स्क्रिप्ट होता है वो बड़ा स्ट्रांग होता है अगर आपने अपने स्क्रिप्ट को अकॉर्डिंग टू योर कंटेंट मिलाया तो आप हिट हो गए लेकिन अगर आपने अपने स्क्रिप्ट को विदाउट कंटेंट इस्तेमाल किया फॉर एग्जांपल सीपैक का एक टॉपिक है जिस पर आपको बात करनी है और आप बोल रही हैं बीइंग अ करंट अफेयर होस्ट आप ऐसे बोलेंगी सीपैक जो है वो पाकिस्तान की मईशत का एक बहुत स्ट्रांग पार्ट है और इतने लोग इतने मुल्क जो है उसके साथ काम कर रहे हैं तो ये होता है करंट अफेयर का होस्ट और अगर हम उसको एंटरटेनमेंट बेस पे बात करें तो हम इस तरह करेंगे नॉर्मली करेंगे yes. सही बात है अच्छा जो सीपैक है मैंने सुना है कि इस पे बहुत सारे लोग जो है वो फायदा उठा रहे हैं और मतलब लहजा बड़ा सॉफ्ट होता है बिल्कुल सो ये ट्रेनिंग होती है बाकायदा फिर उसके बाद हम कहते हैं कि ये कर लेगी फिर हम उसको हायर कर लेते हैं और हम उसको पे करते हैं वाकई में जाहिर गला फ़र्क तो होंद जी मैं न्यूज़कास्टर रह चुकी हूँ तो जब मैं फर्स्ट टाइम होस्टिंग कर रही थी तो मैं जाहिर सी बात है न्यूज़कास्टर आपने अभी फॉर एग्जांपल दिखा भी दिया सबने देख भी लिया कि फास्ट फास्ट वो बोलते हैं एक्सप्रेशन चेंज होते हैं तो मुझे काफी लोग कहते थे कि ना तुम फास्ट बोलती हो सही अभी भी मैं बोलती हूँ अभी मैं कोशिश करती हूँ जाहिर सी बात है बंदा रोज सीखता है exactly. मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा मैं अपनी उस पर कंट्रोल करूँ लेकिन वो जो मैंने 7-8-10 साल काम किया और अभी इस फील्ड में मैं आई हूँ मैं होस्ट हूँ सिर्फ तो मुझे टाइम लगेगा उस पर आने के लिए लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे से अच्छा बोल पाऊँ या अच्छे से अच्छा कर पाऊँ तो ये चीज़ है क्योंकि ॾिसो तव्हां हर शइ खे जेको आहे न हाणे जीअं जमालिया शेफ आहे असां हिननि खां का बि कुकिंग कराईंदासीं न ही अखियूं बंदि करे बि करे वेंदा या असांखे का बि रेसिपी ॿुधाए वेंदा पर असां जॾहिं हिननि खे को ॿियो कमु ॾींदासीं न त शायदि थोरी हेज़िटेशन थींदी हमारे यहाँ होस्ट से आप सिर्फ होस्टिंग करवाएं उससे एक्टिंग ना करवाएं और हमारे जो एक्टर हजरात है वो सिर्फ एक्टिंग करें वो होस्टिंग ना करें अच्छा अगर आप देखें हमारे यहाँ मोस्टली रमज़ान ट्रांसमिशन में हमारे यहाँ एक्टर्स को बिकॉज ऑफ रेटिंग लाकर बिठाया जाता है और उनसे ट्रांसमिशन करवाए जाते हैं तो मेरे नज़दीक आप जो है उस फील्ड के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं क्योंकि एक होस्ट जो होता है उसका टाइटल है अच्छा उनका शौक भी होता है ना खुद का भी एक
जैसे आप बात कर रही हैं, ये दुरुस्त है कि जो जिसका काम है उसको करना चाहिए, एक्टर है तो वो एक्टिंग में ही अच्छा लगेगा, शायद वो इतनी अच्छी होस्टिंग ना कर पाए, लेकिन उनका अपना भी बड़ा शौक होता है, बड़ा शौक होता है। हाँ। लेकिन हॉनेस्टली स्पीकिंग मैंने जितने भी देखे, अगर आपका शौक है तो आप इतने बजट पर फिर कैसे डिमांड कर सकते हैं? आप एक होस्ट को अगर 1.5 लाख दे रहे हैं एक रमजान ट्रांसमिशन का, फिर आप एक एक्टर को बुला दो, उसको आप 3.5 दे रहे हैं बिकॉज ऑफ रेटिंग, क्योंकि मीडिया है वहाँ पर, जो आप जितना लग्जरी दिखाते हैं, जितने लोग आपकी व्यूअरशिप जितनी स्ट्रॉन्ग होती है उतनी आपकी रेटिंग अच्छी आती है। सो हमारे यहाँ यही फुकदान है कि जो जिस फील्ड का बंदा है उसको वो काम करने दें। सही बात। जैसे मैं भी अक्सर कहती हूँ कि मेरी प्रोडक्शन बड़ी अच्छी है, मैं बड़ा अच्छा कोई शो प्रोड्यूस कर सकती हूँ, आप कोशिश करें कि मुझे होस्टिंग में ना रखें, क्योंकि अब मैंने 1.5-2 साल होस्टिंग की, डजंट मीन कि आई एम अ गुड होस्ट। सही बात। और जैसे हमारे यहाँ माशाल्लाह एफएम के जितने आरजेस होते हैं, दे आर ब्रिलियंट। सही। वो इतना अच्छा बोलते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं, अगर आप कभी उनसे मॉर्निंग शो करवाएं तो वो इतनी फास्ट फास्ट बात कर रहे होते हैं, तो फिर आप फिर फील कर रहे होते हैं कि यार ये आरजे है, यकीनन ये रेडियो पे काम कर रहे थे या कर रहे थे। सो मींस हमारे यहाँ हर बंदा दूसरे फील्ड में घुसने की कोशिश करता है। बिल्कुल करता है। सो ये लैकिंग है हमारे मीडिया की, हमें हर अपने फील्ड में उसी बंदे को रखना चाहिए जो उसका चैंपियन। बिल्कुल सही। या ठीक हालत है जो जो कम हुए वो ही करना खपे, पर जाहिर गल सीनियोरिटी ते हुंदा ना, जो सीनियर एक्टर हुंदा या जिन जी डिमांड आहे मॉडल्स इन छोकरी उन छोकरान, त चैनल्स वारा भी उनके घणो प्रेफर कंदा आहिनि त भई असां वटि रमज़ान ट्रांसमिशन ही करे, या जेको आहे ॿी को अगरि को अहिड़ो शो थिए थो त असां फलाणे अदाकार खे घुरायूं त असांजी व्यूअरशिप जेका आहे उहा वधे। पर जेका अलमास ॻाल्हि करे पई उहा बि पंहिंजी जाइ ते दुरुस्त आहे, त जंहिंजो जेको कमु आहे उहो करणु खपे। बहरहाल असां जमाली खां पुछंदासीं त का नई डिश का मुल्क में को अची चुकी आहे लॉकडाउन में, त इहो हुजणु खपे। अगरि लॉकडाउन में ॿिया माण्हू वेही करे रुगो घर में सोचनि था, त तव्हां बि कुझु का नई वैरायटी आंदी हूंदी। ॾिस न मुंहिंजो इहो हज़रा ॻाल्हि ई आहे त डिश नई का बि न ईंदी आहे। अच्छा। पंहिंजा नाला ॾेई था पंहिंजी शइ करे सघो था, जेका बि तव्हां वटि अवेलेबल आहे घर में शइ, मतिलबु इहो पंहिंजे माइंड हूंदो आहे उन, हा पंहिंजी तरफ़ा। मिसाल जी ॻाल्हि आहे, हिकिड़ो को गोश्त ठाहियां थो या कुकर थो ठाहियां, त कुकर में मिसाल जी ॻाल्हि मेह विझी छॾियां, मेह आहिनि या पटाटा आहिनि या पालक आहे, बीह बीह आहिनि, मशरूम्स आहिनि, काफ़ी शयूं आहिनि, त नालो तव्हां पंहिंजो ॾेई छॾियो मुंहिंजी चेंज थींदी, मसाला थोरा अलॻि रखी छॾींदी आहे, उहो ज़रूरी न आहे। अच्छा ॾिसो, माना हिकिड़ी ॻाल्हि आहे, सुठी ॻाल्हि आहे, मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी, माना जमाली साहिबु कहिड़ो सुठो असांखे ॿुधायो आहे, माना सच ॻाल्हायो त वैराइटीज़ पाण ई जेके पैदा कबियूं आहिनि। हाणे हीअ अगरि मतिलबु कुझु बि ईअं ई ठाहींदो न त उहा डिश ठही वेंदी। हीअ जेके बि इहे कोरमा कढ़ायूं, ही तूं को आसमानी किताब ते कान्हे न, हीअ त माण्हू ठाहींदा। कढ़ाई में जेका शइ ठाहे नालो कढ़ाई थी वियो, माण्हू बर्तन जा नाला रखनि था, माण्हू एरिया जा नाला रखनि था। अच्छा इहो ॿुधायो, नाला कीअं पिया, माना डिशिस ते नाला कीअं पिया? तव्हां यकीन कयो, हिकिड़ो मूं हिकिड़ो प्रोग्राम पियो ॾिठो यूट्यूब ते, अच्छा सवाल आहे, हाणे उन में लिखियो चिकन जमाली, मां त परेशान थी, मां त परेशान थी, हीअ किथां अची वई? तो ईअं आहे न, हर को माण्हू नाला रखे थो, बसि कश्मीरी चिकन, कश्मीरी पुलाव आहे, अफ़गानी पुलाव आहिनि, माण्हू शहर नाला, असांजे सिंध जा इलाही खाधा जेके आहिनि जीअं हैदराबाद जी रबड़ी। अच्छा ॾिसो, असां वटि सिंध में या असां जेके सिंधी माण्हू, असांजी मुंहिंजे ख़्याल में त का बि बिरयानी न आहे, असांजो हक़ीक़त में पुलाव आहे। पुलाव बिल्कुलु इहा ॻाल्हि सही आहे। त पोइ सिंधी बिरयानी छो चवंदा आहिनि? बिरयानी इन करे त आउं ॾाढो चैनल ते चयो, इहो ॾाढो मूं चयो, हर हिकु माण्हू फरमाइश खे सिंधी बिरयानी, सिंधी बिरयानी, सिंधी बिरयानी आहे ई कोन। ठीकु आहे, मूं वरी कहिड़े माण्हू सां ॻाल्हायां, कई दोस्त वेठा त कचहरी बि कई, मुंहिंजे वटि बिरयानी सही आहे ई कोन, माण्हू वरी बिरयानी सिंधी बिरयानी। हा त जीअं अक्सर सिंधी जेके आहिनि असांजा, अगरि कंहिं तव्हां ॿी क़ौम में शादी कयो था, उहा तव्हां भाई घर में घर में वठो था अचो, पोइ उहा ई तव्हां सॾु ईंदी न, अगरि बिरयानी असांजी हुई, मिसाल हिकिड़ी शइ असांजी हुई कान, पोइ असांखे ज़ोरी ॾियनि पिया त एक्सेप्ट करिणो असांखे, असांजी आहे, चलो ठीकु आहे, ठीकु आहे, बिरयानी खे साण पंहिंजो करे छॾियो आहे। अच्छा, बाक़ी हू असांजी आहे कोन, असांजी आहे कोन, सिंधी पुलाव आहे, सिंधी पुलाव, पुलाव में बि इहो आहे त असांजे मतिलबु गोश्त में आहे, बकरे गोश्त में आहे, या वॾे गोश्त में आहे, या मच्छी में आहे, सब्जियुनि में आहे, मुर्गी में बि न आहे, मुर्गी में कुकड़ में आहे, पुलाव आहे, चिकन में, मतलबु पुलाव आहे, पुलाव बेसिक, बिरयानी असांजी न आहे, बिरयानी असांजी न आहे, पर हाणे असांजी आहे, हाणे असांजी आहे, ॾिनी अथनि त माना तव्हां वठी छॾी आहे, असां एक्सेप्ट करे ॾिसो। अच्छा सही ॻाल्हि आहे। अच्छा इहो मां पुछंदा, टेक्निक पुछूं था जमाली खां, छो जो ॾिसो काफ़ी माण्हू इन जेके कुकिंग जो शौक़ु रखंदड़ आहिनि, नंढियूं नंढियूं टिप्स असांखे जेके आहिनि कमु ईंदियूं आहिनि। काफ़ी माइयुनि जी शिकायत हूंदी आहे त जेके कोफ्ता आहिनि उहे टुटी था पवनि, काफ़ी माण्हुनि खां कॾहिं लूणु घणो पइजी वेंदो आहे चांवरनि में या भाॼी में, त उनजे लाइ छा करणु खपे? कोफ्ता
तां मच्छी या कोफ्ता ठायो या झिंग या कोफ्ता आन या वडे गोश्त आन या चिकन जान मसाले कुकड़े कोफ्ता ठीक आ सबनी पंजी पंजी अलग अलग तरीको आ चिकन या कोफ्ता बिल्कुल इजी है ना तो सब का पहला जो तहां कीमो आ जो कीमो कढो था मशीन मा एक तो जो सफा भारी सनो बारीक हो सफा सनो हो बे उनमें पानी ना हो जे कीमे में अच्छा कीमे में कदे पानी उनमें ना हो जो ता कोफ्ता जण ठायो था तो घना मानो में बेदा विजना ना हां विजना बेसन विजना नहीं चना विजना वो तो डिपेंड तो करे उनमें सा मसाला मानो विजना ना हां पर जितरो बारीक पिठल होनो ना एतरो उनमें मजबूत इंदी है ओ टटनो ना है न टटनो बेदे वजन सा छा होदो त बेदो तो उनके 12 ओ बाइंड करे छनो टटनो पर अंदर जको जो तन के खोली दो ना जो कलर जको वो बिल्कुल बची विंदो हां पर जो कलर सुठो ना लगनो पर थोड़ी सी मेल दी थी मी जैसे कोशिश कंदो कदे मु बेदो यूज ने केवा कोफ्ते में अच्छा आ जिकने लूण पे जी वने त छाक जे भाजी में दिसो यो वडो मसलो है वडो मसलो कोने यो मसलो ता ला ना है ने ने ला ता मूला मसलो कोने हां बुधायो आ तो सीधी सीधी ना गाल कम से कूड़ मानु बुधा दे ही कयो होई कयो मानु ऑटो विजदान खाली हां काफी विजदान वो बिकली टेक्निक है पर घट कोन होते मानु कूड़ दा गालन सीधी गाल यो कूड़ दा गालन देखो थियो सो थियो मुखा अगर गने लूण घणो पजियो त नादिर ता आ ता केडी गाल बदा सच्ची सच्ची अगर लूण घणो पजे ने तो ता तो ग्रेवी केतरी आ ने ग्रेवी के ता कडी अद करे उने जगह थोरो पानी वी छडियो बस आ थोरो में थोड़ा जी स्पाइसी ता ग्रीन चिली छडियो जा मिसाल सा मिर्च गाढ़ा मिर्च जी के जणा जी छडियो टेस्ट ता वाले ओए दियो पर ग्रेवी कडन सा लूण जो वरी एतरो पानी के लूण घट थिन ऑटोमेटिक अच्छा तो ई तरीको बे को भी तरीको कोने लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि किस तरह नमक को कम किया जा सकता है जो इतने तरीके हैं तो वो बता देने नींबू डाले और वो दूध की वो बलाई डाल दे ये डाल दे वो डाल दे वो सही हो जाता है नहीं होता ना खीर सा भी थी सके तो घट अच्छा घट कौन पर थोड़ा घट थोड़ा बेहतर ही तरीको बस गरीब घट करो नहीं तो पानी हेलो सही अगते ही करना सी बहरहाल कॉल है कॉल वटू था हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम ठीक है बाजी बिल्कुल ठीक तां जे सामो तां बुधायो की आयो ठीक आयो अल्लाह जाय सान अल माल के करम तां बुधायो ठीक लगा के आयो खुश आयो तां जे सामो आयो केर पे गलायो किथा का आ साई तां ते गल आया फ्रॉम कंबर वेलकम कर तो ताके प्रोग्राम में छा चण चाहिदो टॉपिक ते गलन चाहिदो जी टॉपिक ते गलन चाहिदो को मकसद आए जो कोने ते पूरो न थयो आ माशो अज जो टॉपिक आहे त को मकसद आहे ता जो जिंदगी में जेको अन्या ताई पूरो न थियो अन्या ताई ता कोशिश में लगा पे हो ताई पूरो थे हां बिल्कुल ये कला है जे तरह मता जिके दिल में उम्मीद आए अल्लाह से पूरी कयो ने घर नाए पंजो वो फायदा है अल्लाह से इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर पूरी थी वो भी ता हां बस दुआओं का जो ताके मुबारक तमा के मुबारक हो जने तमा जो माशाल्लाह प्रोग्राम तमाम सुठो तो हले खैर मुबारक वडी मेहरबानी हां एक तमा माशाल्लाह औरते भी दादी सुठी ता कयो मेहरबानी बेओ छा चवण से ख्वाहिश हुई तमा सा गलायो प्रोग्राम में शरीक थियो हल तानी आप ख्वाहिश पूरी थी वही तानी ख्वाहिश पूरी थी प्रोग्राम में शरीक पर निगत नाथ के भी घुराए जो ना निगत नाथ के बिल्कुल असा जरूर जरूर घुराइना से जिंदगी में वो मानू बुधा जो चाहे मुझे ख्वाहिश पूरी थी के मणी ख्वाहिश कदे पूरी न थी तो ओए ते दिसन सा चाहियो त के मतलब केतरो परसेंट इंजन जी थी वई जे वट घणो ख्वाहिश पूरी न असन जो मकसद आ मकसद टॉपिक आज का टॉपिक ये रखा था हमने के एम किसी न किसी का कोई एम होता है कि मैं ये मुझे ये करना है वो पूरा हो जाता है क्या फिर कोई एम आ जाता है ज़हन में जैसे ख्वाहिश है तो सेम ही ख्वाहिश और एम में कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं बस लेकिन मकसद को जस्तजू कंदो रहे हाँ। में कामयाबी थिंदी एकड़ी मसला एकड़ मानो एकड़ी जगह कामयाब थियो वरी बीला कोशिश कंदो आ या कदे ख्वाहिश पूरी थिंदी इंसान जी तो मकसद वतन ना रहना तो हल दो रहे जिंदगी में गुजरनी बहुत से लोगों को पता नहीं होता ना कि उनकी अपनी ख्वाहिश क्या है उनको अगर अल्लाह ने एक अपॉर्चुनिटी दी है बेसिकली वो करना क्या चाहते क्या चाहते असल में ये बड़ा अच्छा आपने टॉपिक तो बड़ा अच्छा रखा है मेरे पास इसका बड़ा एक आसान तरीका है कि अपनी ख्वाहिश को खुद पहचानना सही जैसे सबसे पहले ख्वाहिश को जानने के लिए तीन चीजें बहुत जरूरी होती हैं एक होता है क्या एक होता है क्यों और तीसरा होता है कैसे सही मतलब सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि आप क्या चाहते हैं जी जी सही फिर दूसरा उसका स्टेप आता है उसको कहते हैं कि ये क्यों चाहते हैं क्यों चाहते हैं आप
और फिर तीसरे इसका स्टेप होता है कैसे चाहते हैं, क्या करोगे आप अपनी ख्वाहिश के लिए। बहुत अच्छा, बहुत तो अच्छा। ये चीजें जो है वो हमें पता नहीं होती। बहुत अच्छा। अच्छा कॉल भी है, कॉल वठना सी उनन का भी पूछना सी टॉपिक ई होई है असन जो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अदी वालेकुम सलाम, मां नवाब से मिसेस रहमान गाला। मिसेस रहमान वेलकम, कहीं था प्रोग्राम में कि आए हो, ठीक आए हो? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेहमान साहबान के भी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। प्रोग्राम इस तो पिया से टॉपिक हमेशा और जबरदस्त। हां टॉपिक छा चवण चाहिंदो मकसद जे के न हो कदे कदे इंडिविजुअली हुन है कि कदे पूरा थिन है कदे न थिन है। सही आई ऐसा हैरान थी वे नहीं हो तो ऐसा मकसद की है पूरो थी। बिल्कुल सही था। कुदरती तौर पे पूरो थी विंदो आ कदे वरी ऐसा पेनो एक एम खणी हलंदा हो कि भाई ही मकसद है तो वो मुझे ख्याल में थोड़ो मुश्किल ही लगंदो आ। सही गाल है। इन करे यो या कि मकसद पूरो थिनो ही ना है कदे भी भाई एक मकसद आ बियो मकसद आ पूरो थिनो या तनी जिंदगी का मकसद ही है कि आया हूं उन दुनिया में एक ना एक दिवस हली वणो पर यो ही मकसद आ तो सुठो गुजारियो तो वणा का कुछ सुठो करे वणो। सही गाल है। जमाली का कुछ पूछना चाहिए? मेहरबानी दी ताजी अन कोफ्ते जो यो ही चोणो के मां भी काफी विनायो बोर्डन के बस तो सही सवाल कयो ने मुमन पेरा दादी मुके ता बुदा आ पांडवाव शाह जो ता के खबर आले ना त नवाब शाह में गर्मी सो दल के रेडीमेड ही गुरान शुरू करे छे। अच्छा और जदी मैलाई बोर्ड विनाया पो मुका कोफ्ता कोन थे हाने मैं रेडीमेड घुराइंदी है। अदी हां ता बिल्कुल मा ता बुधाई रहो ने जेड़े तरीके सा ता ने तरीके सा ठायो इंशाल्लाह बेहतरीन कोफ्ता ठाइनो ता या। हां कीमो अगर ता अगर सुठो लगन ने बारन के कोफ्ता न हो मुखे लाई चवंदा ने के भाई ता ठायो पर कदे भी सही न थया कदे टूटी विंदा ने कदे सख्त थी विंदा जमाल साहब नवाब शाह में गर्मी की है? गर्मी में अगर गर्मी न थे छो अंब पचना कणक पचनी वरी मथा खजूर बेचनी आ गर्मी थी हां गर्मी भी सुठी आ मानो एंजॉय कंदो आ आइसक्रीम खाइंदो आ। सही गाल है। बिल्कुल सभी शयो खाइंदो आ। सही गाल है। अच्छा नवाब शाह जी केडी शे मशहूर है खाइण में? असै नवाब से थादल मशहूर है। थादल थादल बिल्कुल भारत थादल वाला पेंदा हो तो जाहिर गला गर्मी है। नवाब शाह में बीप शे नंढो हों नवाब शाह वो तो मिल्क रोज वो हो अंदर अंदर जो बाजार खेल चकरा बाजार जो है उनमें अंदर तो कमाल जो हों नंढे होंगे हाइंगे कदम नवाब शाह वो तो वो मिल्क रोज में जरूर पींदा तो वो टेस्ट वो ही है वो ही टेस्ट आने ताने। वाह वाह। हां मिल्क रोज वगैरह जबरदस्त सुना रे ते गोला भी हुंदे। वाह वाह। गाल एनी के तर अंदर में मन थदाण ती पैदा थे त मन एक मिल्क रोज थादल फालूदा फालूदा है जन की कर ये शयो इन जाहिर गला गर्मी में मानू गर्मी का बचण ला ये शयो पींदो आई खाइंदो। बहरहाल वडी मेहरबानी ता कॉल कई आई अस रेगुलर कॉलर आए हो थैंक्स फॉर कॉलिंग ये कॉल कंदा रहो। अच्छा तक वो पूछा तो वो टेस्ट जो को शरबत जो अना तो वो ही वो अना तणी हुआ पर वो अना तणी मानु अना तणी वही है ना मानु वो ही है माशाल्लाह। हम वणा तो दिसा तो कदे भी उन मानु शक्लन सा तो नंडे हंदो विंदो हाँ। तो ओहे मानु अना तणी है ना ओही टेस्ट आ दुकान में भी जो को फर्नीचर उन टाइम दे रखेल ओही रखेला उन का चेंज ही न किया। वाह 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 जबरदस्त। हालांकि इतरो दौर गुजरियो आ वो बिल्डिंग वो जगह वो फर्नीचर ओही मानु। अच्छा कॉल भी आए है कॉल वठो दा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हमेशा
ढा सुठा पा लगो अला कर हमेशा सुठा लगंदा रहो ये सच्चा प्रोग्राम दींदा रहो असके आमीन आमीन वडी वडी मेहरबानी मैं सच्चा तंदुरुस्ती से तवा टॉपिक ते छा गलाइंगे हां टॉपिक ता जो तमाम बेहतरीन पर मा थोड़ो एपिसोड काफी कली हला नवी का प्रोग्राम बिठा सी तमाम बेहतरीन असके लगा सही हेलो जी जी बुधायो आवाज अच्छे पियो जी आज ता जो मतलब टॉपिक आ है मकसद को जिंदगी जो हां एम एम हेलो केड़ो एम बना रे जी नो ते शाजिया आवाज जी को ऐसा ता के बुद्धू ता नहीं जकने सं आवाज न थो जे ता के ता बुद्धू सिर्फ अच्छा जी बुधा हां एम त अल्लाह से जो शुक्र है घणो मतलब कुछ मिली चुको जो लक्ष्य साथ के रोड़े कर्म आहन सही लाई कुछ मिली चुको है पर मतलब मकसद जे चते न त मतलब कुछ रहजी भी विंदा है सही गला हां त बस मजा यो या त बस मकसद कटी भी मतलब किथे भी मतलब अच्छी सके तो बता सही को मकसद ही को मकसद के सब पूरा सी वजह से भी रहजी विंदा है सही गला है बिल्कुल आए भी यही जिंदगी भी आई है बहरहाल ब्रेक जो टाइम भी थियो है आई थैंक्स फॉर कॉलिंग शाजिया आई ब्रेक का पोए वरी मिलूं वेलकम बैक हंगर मरी शाम में एक दफो बीर ता सब नि सुनन के भलीकार के था जमाली से सगडा अलमास से सगडा से खूबसूरत कचहरी हले पई असन के कॉलर सिन असन जे टॉपिक ते भी यो बगलन त किन जा मकसद जारी गला जल्दी पूरा थी वे ने किन जा रह जी वे ने या एकड़ो मकसद पूरो थिना त सवर चंदा बियो मकसद पूरो थे छो इंसान जी ख्वाहिश कदे में खत्म ना है थी ख्वाहिश चंदा आखरी दम त ख्वाहिश रह जी विंदी है आई जदे मानु हलो भी वो तो शायद यहाँ भी होंगे जिन में तो भाई ये ख्वाहिश रह वही मुझी आखिरी ख्वाहिश मतलब ये चंदा है आखिरी ख्वाहिश रह वही ही न कर सकम या अस कें जगह तक हलिया वादा को का गेम हों को टूर्नामेंट हों को कुछ हों अस कदें को इवेंट हों तो अरे यार ही शे रह वही मतलब यहाँ भी ख्वाहिश होंगी इंसान हि कर वा हुआ सो सब ख्वाहिशों भी पूरी नियन सब मकसद भी पूरा नींदा पर जो जैसे अस कें भी ख्वाहिश के पोया दिल से लगे तो वह जरूर पूरी थी छो जो उनमें अगर नेक नीयती है तो अल्लाह सही जरूर हेल्प कहीं अल्लाह सही भी चाहिए तो मुझे बंदो जैसे एडी दिल से घुरे तो मैं इनके दई छा सो बहरहाल नेक नीयती सही जो है ख्वाहिश रखा कर मकसद भी तद ही पूरा थन्दा अल्लाह भी तद ही हेल्प कह जैसे तीन नीयत जो है साफ होंगी छो जो चंदन सजदन जो दारो मदार जो वो नीयतुन से होंगे नीयत जी असानी साफ होंगी है असा सजदा कबूल पवंदा न तो सिंधी में जमाली साहब क्या मिसाल अगे तो पार मणन के मोट इंसान की इबादत एतरी भी कबूल थी अगर नीयत सही न होंगी तो भली सारी जिंदगी इबादत क्यों पर वह कें कम की न होंगी सो बहरहाल अस टॉपिक से ाल जल्दी जल्दी से कॉल मिलाओ असा रोज जहाँ कॉलर्स रेगुलर कॉलर जो रहें वो जल्दी जल्दी कॉल मिलाओ छो प्रोग्राम टाइम जो है वो जल्दी जल्दी भजन तो वही खबर को पे ाल में टाइम कि गुजरी वो है डेढ़ कलाक मुझे ख्याल में गुजरी वह बाकी कुछ मिनट हूँ असट इन जल्दी जल्दी से कॉल मिलाओ जमाली का अगर कुछ पुछड़ो है टिप्स वगैरह छो जो ऐसो अस जी ब्यूटिशियंस का टिप्स वा इन भी अस टिप्स वी सी रेसिपी अगर अस ना पुछी सूँ तो असन की रेसिपी पुछने लाइ तो को मुश्किल को जहरी गल के सर्च कर सको यूट्यूब से भी तक हर रेसिपी मिली वी या जो है सामो ही मतलब लाइव कॉल से रेसिपी ना पुछी सो तो टिप पुछी कॉल का भी जी मैं तुछी लूण पे या कोफ्ता कें पचाजन या कें कें मूँ चावर जो पानी खबर न पवन भाई कदें घट पी कदें पी मैं प्रॉपर एक कें शेफ के दिठो प्रोग्राम में पर उन सिर्फ एक टेक्निक बुधाई तो एज अ शेफ तुझा तो वह गाल के हद तक सही हुई उन तो जे भी चावर तुम चाढ़ो था मतलब जो पुलाव जो चावर या आम अस अच्छा चावर पचाईंदा उन कनी एकड़ो इंच पानी मथे हो चावर का एकड़ो इंच पानी मथे हो चावर तिल्कुल सही पचंदा चावर मत डिपेंड कर अच्छा चावर पुराना हन या नवा हन अच्छा ठीक है ना
वो माने छा हुंदा पुराना चावर पुराना जितरा उन के वधिक पानी भजण पोंदो आ अच्छा जके नवा उन के थोड़ो घट भजण मेरे पानी थोड़ो घट भजण पोंदो ओ न तोरी वो थिन भत थिन आलू थिन अच्छा सो पानी हुन सही गल के एकड़ी मतलब इंच जको पानी मथे रख हो जी अच्छा एतरो ओ पुला में अच्छा बिरयानी चवन चावर सु बॉईल करना वो तो ऑलरेडी वो थी ना सही पर पुला में एकड़ो जको असि अंदाजो हुंदो असि एक ता जो ता अंदाज हुंदा पर जेके सिखन था या जिन के प्रॉपर तरीके सा कुकिंग करनी है तो उनन जे लाई टिप्स कम में इंदियो पर उन के भी सोचन घुरे अगर चावर नवा हन जवा है ना पुराना ठीक अगर नवा हन तो उनन के घट भजण पोंदो हां आधा कलाक मिसाली गल अगर पुराना तो उनकी मिसाल गल कलाक ब कलाक था उनकी अच्छा अच्छा कॉल भी आए कॉल वठना सी हेलो अस्सलाम वालेकुम ओ कॉल डिस्कनेक्ट हुई अच्छा अच्छा अलमास खान भी पूछना सी तो केड़ी सुठी डिश पचाई विंदी है नहीं जिथे मेरा के खाई दो त घणी तारीफ थी दिया मोस्टली मैं फिश की जो आपने बात की तो मैं फिश का सालन बड़ा अच्छा बनाते हैं अच्छा इसके कबाब भी बड़े अच्छे बनते हैं क्योंकि बिंग बलोच हमारे यहां भी फिश को बड़ा बड़ा हां रखा जाता है खाया जाता है बलोच में खास वो बनती है तो वो एक फिश आती है वहाँ पे धवन मच्छी बोलते हैं उसको हाँ धवन मोस्टली लोग धवन खाते हैं लेकिन ये बहुत गर्म भी होती है मोस्टली अवॉइड करते हैं इसको उसको वो कांटे कम होते हैं हाँ अच्छा उसका सालन जो बनता है ना आलू के साथ वो कमाल का बनता है हाँ तो हम बड़ा वो ट्रेडिशनल हमारा खाना होता है जिसमें वो बता रहे थे कि वो कड़ी पत्ता मेथी जो है उसको पीसते हैं फिर अदरक लहसुन ज़्यादा उसमें डलते हैं और इमली डलती है उसमें तो उसका वो शोरबा बनाकर फिर उसमें मछली जो है वो डिप की जाती है और फिर उसको खाया जाता है और बड़ा टेस्टी बनता है बड़ा अच्छा है। बड़ा अच्छा बनता है। आलू डाल दो और अच्छा बनता है आज तक मैंने कभी आलू ट्राई नहीं किया अब ये आप बोल रहे हैं आप डाले इसमें सो मैं अब इस बार जरा आलू भी डालूंगी तो ट्राई हर फिश में नहीं धवन में धवन में हाँ दवर में ही डालूंगी आलू अच्छा तो फिश का सालन आप अच्छा बनाते हैं जी जी फिश का सालन क्योंकि वो हमारा अपना ट्रेडिशनल भी है कि मोस्टली बलोच खाते भी हैं और उसकी बिरयानी बड़ी अच्छी बनती है बिल्कुल तो वो भी फिश बिरयानी अभी जैसे हम पूछ भी रहे थे कि और उसकी नमक वाली जो एक फिश होती है उसकी बिरयानी बड़ी अच्छी बनती है हाँ उसको सूखी सूखी मच्छी सूरी मच्छी बोलते हैं सूर मींस के नमक वाला नमक बहुत है उसमें उसमें हम नमक नहीं डालते ना सालन में नमक डलता ही नहीं है क्योंकि उसमें फिश में बहुत ज्यादा होता है अच्छा कॉल भी आए कॉल उठना सी हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम के पे गल है हेलो हेलो जी अदी जी जी मां छु केर पियो गलाए हिफ्ज़ा किथा पई गलाए हिफ्ज़ा की आई ठीक आई नवाब शामा ठीक आई हिफ्ज़ा छा पई करी अज संग रशीद सा गल रही जो मायने जय गोट मां पई गलाया कैसा गल रही हो रशीद सा हां अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम छा अदी खुश करी सा ठीक आयो अदा बिल्कुल ठीक सा आप अच्छा, जो मुझे नालो वरतो है देखे की खबर गाने ठीक है वो ता की खबर मैं गोठ पे रहता हां मां भी मने हो थियो मुझे जो ता मुझे नालो वरतो आ तो है देखे की खबर गाने ठीक है इते मके एआर जमाले सुनी ना मणु जी जी मैं छा चवण चाहिदो जी छा चवण चाहिदो छा पुछण चाहिदो केड़ा हालन गोठ जा की खुशन अदा केड़ा हाल खबर बहुत सच्चो बिल्कुल गोठ इबो इंशाल्लाह जरूर गोठीबो गर्मी भी लाई हिंसर तक खबर पान लॉकडाउन हल पे सिस्टम हल पे काफी मसला हेलो जी जी चो तुम गलायो कुछ हेलो कॉल डिस्कनेक्ट थी वही आई आवाज हाँ सिग्नल्स जो प्रॉब्लम हो शायद असान जो आवाज होते सही न पे वने बहरहाल तां कॉल कई तानी वडी मेहरबानी तां उन नालो जी वरतो और मां जो इते रशीद तो कोई ना बैठो असें खबर ही ना है तां जो नालो जो काई नालो अब्दुल रशीद उनके बस एआर जमाली करी हिन बस अच्छा तने मां थोड़ो कंफ्यूज थी इसमें जो ही कोई आए जो चौथो जो असा के नजर न तो जे सही गल अच्छा जिका ता एकरा तो मानु हुंदा ना मां ता बुदा त मानु शॉर्टकट ता ढोलदा ना हाँ जल्दी तरक्की करने ला और जल्दी करना भी आयन तो जो को नसीब में है वो मानू कोशिश कर अल्लाह ताला से नसीब सुठो करे जका भी अस लिखला किस्मत में को किस्मत में लिख लो ना तो किस्मत में एम ना लिख लो घर में ता के मिलदी मेहनत भी कयो स्ट्रगल कर किस्मत भी इंसान जी सुठी जे सो बाकी जो शॉर्टकट बेन के काटे हलन हे दा ओडा के निकलन जो वो मानु हमेशा करंदो बिल्कुल बिल्कुल या लड़स्ट्री गाल कही है जमाली त जाहिर गला जी असा गाल कई सी त नियत नियत हमेशा पे साफ रखो के बे के मन नुकसान नहीं ता की ता सोच सको त
कामयाब थींदो या अगर असांखे ॿिए जो बुरो चाहींदा आहियूं त वरी असां कहिड़े मुंहं सां अलाह साईं खां पंहिंजे लाइ ख़ुशियूं घुरंदासीं पर बहरहाल कॉल आहे कॉल वठंदासीं हैलो अस्सलाम वालेकुम कॉल डिस्कनेक्ट थी वई ऐं एतिरो असां होल्ड न कराईंदा पर तव्हां पाण जल्दी जेको आहे कॉल जेको आहे रखी छॾींदा आहियो दिस इज़ नॉट फेयर सो बहरहाल मज़ाक थी कयां तव्हां कॉल वरी मिलायो ऐं कॉल मिली वेंदी छो जो हमेशह माण्हुनि जी शिकायत हूंदी आहे न कॉल इलाही मुश्किल सां मिलंदी आहे नंबर बिज़ी होता है सब कॉल कर रहे होते हैं तो उसी टाइम पर सबकी शिकायत होती है कि नंबर आप उठाते हैं इन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बात की बहुत से लोग जो है वो जल्दबाजी में कहते हैं कि बहुत जल्द बहुत तरक्की करने के लिए बहुत शॉर्टकट ले लेते हैं अपॉर्चुनिस्ट होते हैं बेसिकली कुरान में है हमारे हमारे अपने किताब में है कि अगर आप जिस चीज़ की ख्वाहिश रखते हैं जिस तरह आप उसकी ख्वाहिश रख रहे हैं ना वो चीज भी आपकी उतनी ख्वाहिश रख रही है सही क्योंकि हमारे अंदर से एक वाइब्स निकलती है जिसे हम कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी कशिश निकलती है जो आपका अपना जो डिजायर होता है उसको अट्रैक्ट कर रही होती है या आप एग्जाम्पल करके देख लें अगर आपने सोच लिया कि आपको एक गाड़ी चाहिए लिटरली ये मेरा एक्सपीरियंस है और आप मैं इस पर बिल्कुल ये मेरे सामने की बात है सही आप कंटिन्यूसली ये सोचते हैं कि आपको ये चीज चाहिए उसी तरीके से अल्लाह ताला आपके ज़राए जो है वो खोलते हैं कि आप अपनी ख्वाहिश तक जो है वो पूरे हो जाएं और आपकी ख्वाहिश फिर पूरी होती है शर्त ये कि आप उसको रिपीट करते जाएं अपनी डायरेक्शन को स्ट्रेट रखें यहाँ वहाँ ना भटकें अपना एक विजन रखें मोस्टली हमारे लोगों को ये भी नहीं पता होता कि विजन रखते कैसे हैं तो विजन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आप सबसे पहले अपने आप से ये पूछें कि आपको चाहिए क्या क्या चाहिए वो उसको पूरा करें कि मुझे जो है एक घर चाहिए फॉर एग्जाम्पल फिर उसके बाद आप एक लाइन बनाएं कि ये घर कैसे मिलेगा और कौन सा रास्ता है yes, कौन सा रास्ता है और बस आप दुआ करें सही अल्लाह ताला कहता है ये काम मेरा है आपको तमाम चीजें फैसिलिटेट करना या आपका काम नहीं कि आप किसी के लाइन को कट कर लें या शॉर्ट कट लें या उसकी अपॉर्चुनिटी को ले लें या कोई धोखेबाजी करें ये तो मेरा काम है कि मैं आपको किस तरीके से भी आपकी चीज दे दूंगा बस अपनी डायरेक्शन को क्लियर रखो बिल्कुल सही बहुत अल्लाह पे छोड़ दो बहुत अच्छा ॾाढो सुठो सुहिणो मिसाल ॾेई वई जेको आहे अलमास ऐं यकीन हर कोई माण्हू सम्झंदो बि आहे इनखे ऐं अमल बि कंदो आहे पर बहरहाल हर कॉल बि आहे कॉल वठंदासीं ॾिसंदासीं कॉल ते केरु हेलो अस्सलाम वालेकुम बिल्कुल ठीकु तव्हांजे साम्हूं तव्हां ॿुधायो ठीकु आहियो आवाज़ थोरो लाउडली ॻाल्हाइजो आवाज़ बिल्कुल घटि पियो अचे तव्हां मुंहिंजा ॿार मच्छी कोन खाईंदा आहिनि उन्हनि खे डोसे जा कबाब ठाहे खाराईंदी आहे अच्छा मां वरी नओं तरीक़ो पुछण थी चाहियां त कीअं मच्छी जा कबाब ठाहिजनि मां त खाईंदी आहियां जीअं सामी कबाब ठाहिबनि कीअं अच्छा अच्छा बिल्कुलु अॼु वारा कीअं था खाईंदा मूंखे ॿुधायो सही 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 बिल्कुल बिल्कुल असां ज़रूरु ज़रूरु ॿुधाईंदा तव्हांखे ॿियो कुझु ॻाल्हाइणु चाहींदो बिल्कुलु तव्हांजे साम्हूं टॉपिक ते ॻाल्हाइणु चाहींदो ओके ओके थैंक्स फॉर कॉलिंग अच्छा हिननि जो इहो चवणो त माना ॿार मच्छी न खाईंदा आहिनि ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे कंडा हूंदा आहिनि काफ़ी माण्हू इन लाइ बि न खाईंदा आहिनि त पोइ हू कबाब ठाहे करे ॾींदी आहे त कोई नयो कुझु तरीक़ो या अहिड़ी का ॿी टेक्निक ॾिसो ॿार नथा खाइनि त ॿार ॾिसो न हिकु मच्छी हूंदी आहे शोरबे ठहंदी आहे जे पाण सिंधी में चवंदो रहो ठीकु आहे हुन में ठहंदी आहे हिकिड़ी मच्छी ठहंदी आहे फ्राई हूंदी आहे हिकिड़ी हूंदी आहे जेको चिप्स मच्छी आहे जीअं फिंगर फिश ठहंदी आहे उहो ॿार फिंगर फिश जेको आहे न अक्सर खाईंदा शौक़ सां खाईंदा आहिनि तव्हां सिर्फ़ु अगरि ॿार नथा खाइनि त कोशिशि कयो उन मच्छी जेका फिंगर फिश ठाहे उन सां गॾु तव्हां आलू जा चिप्स रखो पटाटे जा गॾु को केचप रखो या चटनी रखो त ॿार ऑटोमेटिक उहो आदि थी वेंदो हुननि जा ॿारनि ॿारनि खे कहिड़ी शयूं खपनि जाम मच्छी जा तव्हां सैंडविचिस बि ठाहे सघो था अगरि तव्हां हुनखे उहो नथा ॿार मच्छी नथा खाए सघनि हूं त तव्हां जा सैंडविचिस बि ठाहे हुनखे ॾियो था मच्छी हूंदी बजाए चिकन जी मच्छी था हुनखे ॿुधायो थोरो टेस्ट चेंज थींदी न सही हुन त डबल रोटी बि अची वेंदी माइनस बि अची वेंदियूं आहिनि काफ़ी शयूं ॿियूं पवंदियूं थोरो हुनजो हिकिड़ो लुक बि चेंज थींदो ऐं टेस्ट बि चेंज थींदी अच्छा जमाली तव्हां खां पुछंदो ज़ाहिर ॻाल्हि ॿार ॾाढा नखरा कंदा आहिनि त हीअ न हीअ शइ हीअ न हीअ शइ ऐं माना वालदेन काफ़ी परेशान हूंदा आहिनि काफ़ी माण्हू त अहिड़ा हूंदा आहिनि चवंदा आहिनि नथो खाईं जंहिंमें बुख लॻंदी हुन खाईंदे ठीकु आहे पर काफ़ी माण्हू इहे हूंदा आहिनि जेसिताईं ॿार खे माना मार मानी न खाईंदो आहे हुननि खे मज़ो न ईंदो आहे पोइ हीअ शइ ठाहे हूअ शइ ठाहे तव्हांजा ॿार कीअं रहिया एज़ अ तव्हां त शेफ़ आहियो त तव्हांजे ॿारनि में इहो शइ हुई को बि नखरो न हुयो का शइ मतिलबु हीअ न खाईंदासीं हीअ न खाईंदासीं जेको बि घर में हूंदो आहे उहो खाए पर कोशिशि कयो ॿारनि खे
जडे त मानी घर में लगायो तो ता पजे बारन में गड वेही पान से खारायो अच्छा मानी खाण जो तरीको उनके सिखार मानी हर तरीके से खाबिया मिसाली गल को बार जिद भी न करे घना बार जिद्दी हुंदा न हां घी शे न के पे मगई चके पे मुझे बार जडी के ख्वाहिश नती सही जका पे हुंदी है घर में वो खाई वठना ता फरमाइश कंदा इन करे ता के ता सके ही पचाए जो या कदे 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 थिंदो कदे कदे थिंदो वो जरूर इंसान मतलब ईद ते केयर कंदो मा मतलब ईद ते मिली कर कंदायो या सिर्फ जो का भापी कंदिया मां घट मिठो कोंद मां ठाइनो अच्छा मिठो तो मिठो तो मां ठाइनो हां जकर जे कई गुजरी हां तो शीर खोरमो सबनी घर जो तू ठा मुझे ठीक है अच्छा तो शीर खोरमो जो को उनमें काफी बी पोंदी पर नमक मिलियो ते उन दुकान दुकान बंद थी हां बंद थी रहा कदे भी मुंह ठायो तो घर वाले महसूस ने कयो तो वे जे शय सब मतलब लगे बस सब शय मुझे वाह वाह यही होता है ना हाथ का कमाल टेक्निक खादन ये मुझे टेक्निक ना खीर के सुटो पजाए फोटा वे जी मिसाली गाल तो उनजी जको बियोन में जके छुवारा पंदा हां तो छुवारा गड बॉइल न ता कयो तो पोन बस सही ता जन में तो सुठो हीर रूम ठाइदो आलम न खोयो जना हां बियो काफी जना डोगी जना वैरायटी वैरायटी जतर अधिक सुठो लगनो सही अच्छा आपको वैसे खाने में ज्यादा मीठा पसंद है या मीठा तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है लड़कियों को होता ही नहीं है बिल्कुल नहीं इवन चॉकलेट्स बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि आप चॉकलेट्स आपको चॉकलेट्स भी पसंद नहीं बट ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं पसंद मुझे मीठा मुझे पसंद ही नहीं है सही बस चाय मैं चाय की ज्यादा शौकीन हूँ चाय हो गई या कॉफी हो गई अदरवाइज अगर आप मुझे मिठाई भी दे देंगे तो मैं नहीं खाऊंगी नहीं खाऊंगी बस थोड़ा सा टेस्ट जस्ट फॉर टेस्ट बस सही उसके अलावा नहीं बिल्कुल भी अच्छा अच्छा कॉल आए कॉल विठनासी हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम जी यदि केर किथा खा कल भी कॉल कई हुई ता अच्छा 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 बिल्कुल अच्छा तहां की कल मुझे हो तो ता पे कांटेक्ट नंबर जो सा ता जो कांटेक्ट नंबर हलाइंदा सी आई थी सके तो ता जी के न केयर हेल्प करे या जाहिर कला कुछ केंजला करण बेहतर आए तसा करण चाहू था एतरो तो ता पे कांटेक्ट नंबर दियो ता जो मोबाइल नंबर जको है वो ता लिख रायो वो असा स्क्रीन ते लाइना सी वो काफी इलाज बंदा एणा है जके तानी मदद जरूर कंदा आवाज कट जे थैंक्स फॉर कॉलिंग आई ता वराय मा ता के चंदस ता जने भी कॉल कयो था असा वट ता नंबर लिख रा छियो असा नंबर स्क्रीन ते हलाइना सी हिनन जो असल में इशू यो है जमाल साहब त ही हिनन जी का नंढड़ी है नंढड़ो है उन के दिल में सुराख त ही जन ता उन जो ऑपरेशन थणो है त उन जे लाय असा जी हेल्प कयो त माहिरन के कल भी चयो हो अज भी चयो त नंबर दियो कांटेक्ट नंबर स्क्रीन ते हलाइना सी मुझे ख्याल में केटीएम केटीएम एकडो प्रोग्राम बड़ो सुठो शुरू कयो आ का सार भी ले भी आ मुझे ख्याल में हां ते ही तो थोड़ो ना वरी मानु में पाण में भी थोड़ो हो जण अगर उने प्रोग्राम में कॉल कन तो मिसाल के मुझे ख्याल में तो ते उन सार आप तो कंदा हूं हां इने जगह में मानन के जो ता कांटेक्ट नंबर जो कांटेक्ट नंबर जो का ऐसा हलाइंदा सी तो उने खपो काफी मानु आइन जे की ता जी हेल्प कर सकन ता हेल्प कर सकन ता आई इंशाल्लाह ता जो को बार आए वो जल्द ठीक थी विनो जो इलाही मानु जारी गला परेशान होता दिल में सुराख जाहिरी गला ऑपरेशन उने जो तो उन्हें मापी कितना परेशान होना लेकिन इस वक्त कराची में जो सबसे अच्छा काम कर रहा है वो NICVD बहुत अच्छा काम कर रहा है अगर वो ये केस उनके पास चला जाए या खुद ये चली जाए तो बहुत अच्छा हो सकता है क्योंकि तमाम लोगों की फर्स्ट चॉइस वही है क्योंकि वो दिल का ही स्पेशल एक पूरा यूनिट है इंडस हॉस्पिटल वो भी कर रहे हैं वो भी करते हैं उनको तो किसी की रेफरेंस की जरूरत ही नहीं है बस बकुल आपके कि इनको खुद थोड़ा एक्टिव होना चाहिए खुद आना चाहिए वही वही तो अच्छे से इलाज हो सकता है इंशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल अच्छा ब्रेक जो भी टाइम थोड़ा ब्रेक उठना से ब्रेक अप होए वरी कर रहे वेलकम बैक रंगन भरी शाम में एक दफो भी सबनी निसंदन के भलीकार कयो था आई मेहमान अस सकल खूबसूरत कचहरी भले पई आई वद का वद फायदो जो को अस निसंदन मुदंदन के यो तो खोड़ सारी टिप्स जे के नु जमाल साहब अस के देन पिया खोड़ सारी वैरायटी अस प्रोग्राम भी ये लगे पे तो कुकिंग थे थियो कुछ रुको पचायो ना रुको खयाली पुलाव खादा है ना बस अगर वही ना सही खयाली पुलाव सही हजरा काउन जिकम नाजक निसंदन पिया यार
तो आचर से मुझे प्रोग्राम मिलो केटीएम से देसी फूड ही होंगे असो अक्सर जरूरी ना देसी फूड अगर कोई भी का भी फरमाइश करनी है को भी का शे ठहनी है पुछी सकता मुझे अच्छा अच्छा दिसो केरो सियाणो प्रोग्राम भी आचर से रखियो से जने असा जी छुट्टी हो जे ना सा न खाई सकौ सिर्फ दिसौ ते मने की बचायो बिल्कुल यही थणो ना अल्लाह हु अकबर मतलब कुछ भी जो है ना पर काफ़ी शोज जमाल साहब मुसा गुद क्या जो भी कुछ पचाई तमाम सुनो वही गाल दिठी जल्दी जल्दी मैं डिश जो है ना वो तैयार कर अच्छा ये फास्ट भी करते हैं मतलब ये नहीं कि मिठा के हाँ आहिस्ता आहिस्ता फिर ये कि वो फिर बातों में नहीं फास्ट फास्ट दो तीन चार डिशेज होती हैं इनके प्रोग्राम में जो ये बनाते हैं लेकिन जल्दी जल्दी भी करते हैं एक होता है बंदा सुस्त काम का काम अच्छा करता है लेकिन थोड़ा लेजीपन होता है चले अब मैं भी आपको देखूंगी और कहने मकसद ये है कि आपको वही बात मैं करूंगा टेक्निक की आपको पता मुझे पहले अगर आपके पास सब्जी भी पड़ी है आपके पास कबाब भी है आपके पास चावल भी है आपके पास मीठा भी है आपके पास गोश्त भी है तो आपको पहले सोचना मुझे पहले बनाना क्या है सही ठीक है आप तरतीब से बनाओगे तो आपको बनती चाहेंगी तरतीब लाजमी कौन ठंडी है अच्छा, मैंने देखा है कि किचन में तीन चार चीजें एक साथ बन रही है मिसाल के तौर पे हाँ, ये भी है पुलाव है चावल जी चावल ठाने पान मिसाल पुलाव ठाने हाँ। पुलाव ठाए दम जगह रखी छो ठीक तीर दियो वरी को सालन ठाए छो या कबाब जो फ्राई आइटम हो आखिर में ठाए छो सही जो गरम गरम खाइंदो ना तो बिरयानी दम से लगी हुई जिधर वो भाजी ठहंदो बिरयानी दम तैयार अच्छा वे में वही जो अभी रमजान गुजरा सब खवातीन की यही कोशिश थी क्योंकि लॉकडाउन था जाहिर सी बात है सारी चीजें बाहर से अवेलेबल नहीं थी तो सबकी कोशिश यही थी कि घर में ही बनाए सारे यही बनाते समोसे और पकोड़े गोलगप्पे ये सारी चीजें गोलगप्पा हमेशा मतलब बाजारी तरीके से न ठहंदा घर में छो बाजारी तरह से नहीं कर ये मेरा मेरे ख्याल से इनका भी सवाल है यस yes, मैंने गोलगप्पे कभी बनाए भी हाँ। नहीं और ना कभी कोशिश की है बनाने की लेकिन बनते नहीं है जो बनाते हैं उनसे नहीं बनते कुछ ऐसी चीजें होती है वो बाजार में आप उसी चीज पे जैसे ठेले में लोग खाते हैं ना वो मजा फिर घर में नहीं घर में नहीं आता नहीं वो एनवायरमेंट भी हां देखिए एक ठेले पे हमने खाया उसके गोलगप्पे फूले हुए थे अच्छे थे ठीक है लेकिन दूसरे ठेले वाले के पास जा रहे उसके भी गोलगप्पे वही है फूले हुए तो वो फूली हुई चीज घर में क्यों नहीं आती क्या ऐसी चीज क्या डालते हैं गोलगप्पे में ऐसी कोई चीज नहीं होती मैदा ही होता है और कुछ नहीं होता उसके और कुछ भी नहीं डालते और कुछ भी नहीं डालते उसमें तो फिर ये वो घर में क्यों नहीं गोलगप्पे को पता चल जाता है कि ये मुझे घर में खाएंगे और वो मुझे बाहर ये क्या चीज है ये कि जब जेमल उनके फ्राई करे कढ़ना ना बाहर जब फूली इंदो आ हां तो घणा मानु उनके अवर कुक करे दान बिल्कुल गाढ़ा थी ना कड़ा सर कच्चा कढ़ना अच्छा कॉल 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 बैठो हां हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम की आए हो अंकल मां बिल्कुल ठीक है बाबा ता किथा में गलायो अनीता अनीता पे गलाए जी मां अनीता गलाया थी ता आयल में मानन के भी सलाम मुझो भी वडी मेहरबानी वालेकुम सलाम की है अनीता ठीक है जी मां ठीक आ मां ता जे बोझो ते गलान चाया थी बिल्कुल गला छा चन चाहिनी है मै जो मकसद सही हो आता यो हुयो जिंदगी में एकदम आराम के केर बुझाई तम पढ़ा मदर से पढ़ा स्कूल में पढ़ा सही बेओ मकसद यो आता मास्टर मंजूर के गानन के उजागर रखो ना सदा मास्टर मंजूर घुरायो ना बिल्कुल बिल्कुल जरूर मास्टर मंजूर बेओ मकसद यो आना मुझे ब्याह तक कोई मकसद आए यो मकसद ना है या इधर रोशनी अल्लाह सही मुझे नूर में दे ना इंशाल्लाह जरूर जरूर आई बस दुआई करे सगुदा सारी गला ता जला जी यो साचे मन चाहिदी है जो केर कुछ ना तो करे सके अल्लाह साई के तरफ मिली रोशनी तो थींदी हां इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर अल्लाह साई ता जाहिरी गला उन जला ते एकड़ो सेकंड भी वडो है बियो प्रो भी आ है स्कूल में कुछ ता हम के गुराई दउ तक काय बिदा सकते हम तो वचन तो इंशाल्लाह जरूर कई सके हम नातिन चढ़न जो ना है नहीं नहीं इंशाल्लाह जरूर जरूर गुराई नसी ताके थैंक यू अनीता जो असू कॉल कई असर रेगुलर कॉलर है अनीता इंशाल्लाह तो जरूर घुराई अनीता की ख्वाहिश है मैं प्रोग्राम में अचा भले अच्छे प्रोग्राम में घुरा उनके हाँ बिल्कुल घुराई जेके जेके असन जा बियो बियो उन जो तो मास्टर मंजूर के ही चीज कुछ मेरे ख्याल में न न उन इन जो मास्टर नाल मुखे भी सही समझ में ना न न मास्टर हु कुछ बियो ही चे पई पर सही जो ना क्लियरिटी न हुई तो केंजो नालो पे खणे बहरहाल जो है थैंक्स फॉर कॉलिंग
उन्होंने यह ख्वाहिश है प्रोग्राम में घुरा हकीकत में अनीता जो है ना वो मतलब नाबीन है अखियन का ना अच्छा। हाँ तो शुरू का ही नंढपण का ही तो हूँ बाकी प्रोग्राम्स बुधंदी है सभी प्रोग्राम में कॉल करने की कोशिश करनी है उनको शौक आ मां भी टीवी ते ये मानु वर डाडा एक्स्ट्रा टैलेंटेड है मतलब के जिके नाबीना हन जा गुंगा हन वे डाडा होशियार मानु है होशियार मानु है पर अल्लाह ताला ने मेरे एक्स्ट्रा जिके देख दिया बिल्कुल मुकड़ो अंधो मानु डठो त वो पढ़ाइंदो भी हो सदर में या केडी बे बाहर ते पढ़ाइंदो रहन तो न्यू कराची बस में इंदो विंदो हो ना भी ना बिल्कुल पंज घर अचे पंज घर वने दिसो बड़ी गाल या पढ़ाई ये से भी तो मखे शौक आ है पढ़न जो आई पढ़ंदी भी आ हां सो मुजी पंजी पुफी मा पाजी घर च गाल कंदस मुजी पंजी सगी पुफी वा भी जो है ना भी नहीं हुई पर वा जो माना कुरान पाक सीखी पढ़ी वो यासीन पूरी पढ़ंदी हुई घर जो जो थोड़ो घड़ो कमकार है वो पाँचों कम पान कंदी हुई उन कुकड़ी होंद हुई उ पालींदी हुई तोता पालींदी हुई माना इनको शौक हों अस अचार उनकी एडी सुी होंगी अचार उन माना असे गोठ में जो वडेरा खटाण हाँ अन्या कुछ भी हो अलै मां तो ये अन्या भी चंदा खटाण चंदा है असा अचार उर्दू जो लफ्ज है सिंधी लफ्ज खटाण खटाण ने कनु खटो ने कर खटाण ने कर चंदा है बियो छ चंदा पर तो टिपिक न लवा बियो तो अन्या बियो अले बियो मके न तो पण सिंधी में जन चंदा सांधाणो 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 मांधाणो सांधाणो सांधाणो जी मके न खबर पर वो अचार लाई सुची छाई दी आई असा उन के यो चंदासी तो तू जो कर दसी थी तू ये सुटो प्रॉपर कम करी थी बहरहाल जो को अल्लाह से उनन के दिल जो अखियो दे छिंदा कॉल आए कॉल वठना सी हेलो अस्सलाम वालेकुम जिसमें आपका दिल करे आप उसी जबान में बात करें हेलो भाई जिस जबान में आपका दिल करे आप उसी में बात करें सिंधी में करें उर्दू में करें अच्छा जनाब असा तमा जो प्रोग्राम देखो कैसा आपने सामो सामो वडी मेहरबानी प्रोग्राम दिसन ला असा प्रोग्राम लाडो असा के मजो तो दे पियो तमाम बेहतरीन प्रोग्राम ता आज अपना बोलाने अंदाज तमाम प्यारो तो लगे ने करे दिल घुरी असा सारी चाहत मेहरबानी चाल के या पर यो तो बुधा ता किथा कॉल कइया है नालो छाए तवा जो इंसान जो मकसद 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 अवेलेबल ना है पर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जरूर बियो कुछ चवन चाहिंदो थैंक यू थैंक्स फॉर कॉलिंग उर्दू स्पीकिंग हुयो इस्लामाबाद में कॉल कई वडी मेहरबानी प्रोग्राम की तारीफ कई ये कॉल कंदा रह जो दिसो यह गाल बोली भले के समझ में अचे या ना अचे जडे के भी गाने जी ताके म्यूजिक भी वणदी आ तब ता बुधना आयो जैसे बलोची सॉन्ग से जाहिर से पते बलोची समझ में नहीं आती लेकिन उनका म्यूजिक इतना अच्छा होता है दिल के ताकि के वो सुने और जैसे सिंधी सॉन्ग है अगर आपको समझ नहीं आते होंगे तो म्यूजिक आपको अच्छा लगेगा तो यही है कि जो चीज अच्छी लगती है उस फिर वो ज़बान मौसिकी रूह की ख़ज़ा है ना वो जिस तरीके से भी वो आपको अच्छी लगेगी तो वो उर्दू स्पीकिंग और हमारे प्रोग्राम में उर्दू स्पीकिंग भी काफी कॉल करते हैं वो कहते हैं हम मतलब कुछ कुछ समझते हैं लेकिन प्रोग्राम की वो ना बहुत अच्छी लगती थीम एक जाहिर कला मनु सिंध में रहंदा सिंध में ता खबर सभी मनु रहंदा अच्छी दी लाइन मनु के सिंधी इंडी है लाइन मनु चाहे पंजाबी हो जे चाहे उर्दू स्पीकिंग हो जे केर हो जे अक्सर मु मनु ठान यकीन के चार पंज दी पिर एक मनु मके मिलियो मुझी एड़ी तो सिंधी साफ हुई जो सिंध में रहूं ता ना जाहिर है कराची सिंध में रहूं ता हैरान थी क्लियर थी सिंध बिल्कुल अच्छा कॉल भी है कॉल वठना सी हेलो अस्सलाम वालेकुम कॉल डिस्कनेक्ट थी वही आई जो को है सिग्नल्स जो भी थोड़ा प्रॉब्लम हुंदा छो जो असा कोशिश कंदा हूं ते असन जेका असा
पान में गेस्ट से कम्युनिकेशन क्यों था गाल गाल कंप्लीट थे मन कॉल वो पर कदें कदें या तो होल्ड वा होल्ड न कह या वरी जो सिग्नल्स के करे कॉल डिस्कनेक्ट थी सो नो प्रॉब्लम दिल में न कंदा क्यों वराय ट्राई कर यही गाल तो कोशिश करण से सब कुछ थी बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करने से हाँ कोशिश करने से स्ट्रगल करने से उसके बगैर कुछ भी नाम मतलब ना, नहीं, नहीं, नहीं आपको जो है वो स्ट्रगल तो इट्स कंपलसरी वो कहते हैं ना हमारे एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है होगा वही जो मेरी चाहत है बस अगर तुमने सपोर्ट कर दिया अपने आप को इसके जो मेरी चाहत है फिर वो भी मैं तुझे लौटा दूंगा जो तेरी जवाब फिर मैं थका दूंगा तुझको इसमें जो तेरी चाहत है और फिर होगा वही जो मेरी चाहत है और ये अल्लाह ताला खुद कहते हैं बिल्कुल बस अपनी ख्वाहिश को अल्लाह की ख्वाहिश के साथ मिला लीजिए तभी तो बंदे की लिए आसानियां पैदा होती है सही गाल है अच्छा असा वेंदे वेंदे जमाल साहब का एकड़ी गाल पुछंद जरूर छो जो वह थोड़ी माना मुख्य भी जहन में है काफ़ी जी जो कॉल न कर सकें उन्होंने जो भी सवाल हों जो मैं तक मच्छी मच्छी पचाण काफ़ी मांग के दुखी लगे सिर्फ इन तो उनमें स्मेल है तो उन करे वह कढ़ण के लिए अस जड़े तो ना पर माना वरी भी मच्छी पानी खुशबू होती है काफी मानू जंदा ना सा को ही पसंद हाथ में लगी हुई है वो स्मेल इंडिया बिल्कुल इंडिया पर चाहे तो मच्छी के ता तो पिरान के लूण बूण लगा रखी के ना के उनके सुठे तरीके से धोयो हां पचाने हां सुठे तरीके धोण का पो के ता पचाए पर यो जो तो मच्छी पनी खुशबू हुंदी है तो कुछ भी कयो हुंदी है आउं त न जा त में ता ही शिमला ही तो खत्म थींदी और छ त अगर खत्म के तो मच्छी खादी कान बिल्कुल तो ताके बी शे खाई गडी आई बी गल या त करेला जे के ने असा जे घर में करेला जी इंदा ने बस उ ठाई करे माना छिले वगैरह सजो धोई साफ करे उन टाइम ही असा पचाईदा हूं कड़ा न थीना पर काफी मानु म डठन करन के बॉईल कंदा उस ते रखंदा पके ते टंगीदा आला चाचा कंदा ई माना सही तरीको छाए पचाण जो सही तरीको तो जे त गल के ना मुझे बस मुझे त न खालन जे ला न बिजन म मुझे भी मुखे भी ये वणदा है यकीन क्यों छाजे करे फ्राई कंदी आई है जी कुदरती दिस ना ही सब छियो में अल्लाह ताला को निजाम रखियो हाँ। करेला एड़ी छया एक पूरा मेडिसिन है अगर ओनी कड़वार ता कड़ी खड़ी कड़ार आसान में कोनी कुदरती है में हां असुन छे कड़ी खना तो फायदो तो कुछ उन पुखाण जो ता भले में ता अगर कड़वार ता घट करनी या जितनी क्वांटिटी में ता करेला है ना तो उतनी क्वांटिटी ता बसरन जी रखो अच्छा बिनी मिक्स के उतनी जितना बसर घणा दो उनकी कड़वाट घट थी बोड़ जो खराब तो सही थी दो। अच्छा एक तो यो बो मू लूण जिंदा उनके पोल वगैरह उस रखना हाँ। वजन रखना जो हाँ। पानी निकरी उनको यो तरीको है घना मैं उनके फ्राई कर सही वो अलग अलग तरीके अलग अलग पूरी कीम भरे ठाईंदा बिच में वो अलग कर वो भी वो सुठो हों धागे में बधी सही मुझे वड़ी सिस्टर ऐसा मतलब बेन के घर भातिन के तो कौन पसंद पर मुझे वड़ी सिस्टर है माई कंदा बस करेलन के धोई करे आलू वांगुर कटे आलू वांगुर फ्राई करे खाई ना मुख्य वणदा है मतलब मखन लसु तो खाई विंदी है ब्याज नन कड़ा त लगन ही है या जी आमूमन भाजी ठंदी उन जला सिर्फ करेलन के छलींदा है ना लूण में धोई अक्सर मन जो करेलन जूस पिना ना खबर हां जेके शुगर जेके आयो और करेलन जूस पिना ना अच्छा करेले जो जूस मन मतलब की कट जे पूरो करेलो उनमें विज जे मशीन में या सिर्फ जका मथा खला हुंदी वो हलाए कर पूरो अच्छा उनके बीच के साथ डालते हो बीच के साथ ग्राइंड मशीन में निकालने तो पूरा डालना पड़ेगा उसके अंदर अच्छा ये वाकई में वर्क कंदो करते हैं ये रेमेडी है और ये इस्लामी रेमेडी तो ये कैसे मतलब यूज कैसे करें इसको असल में पेंक्रियास जो होता है हमारे बॉडी का हाँ। उसमें हमारा इंसुलिन बनता है सही तो ये इफेक्ट करता है डायरेक्टली आपके लबलबे पे उसे हम पेंक्रियास को हाँ। लबलबा बोलते हैं और इंसुलिन वहीं से बनता है तो इसको थोड़ा कम कर देता है तो इंसुलिन की मिकदार जो है वो कम हो जाती है ये मेडिकली प्रूव है जिनकी शुगर ज्यादा बढ़ी अच्छा इसका और तरीका भी एक है जिनको शुगर है वो क्या करें करेले को ग्राइंड करें किसी बाल्टी में या किसी बर्तन में रखे उसमें नीचे पाँव रख दे अच्छा अच्छा पाँव और पाँव को मसले दोनों पाँव मसले इतनी देर तक जब तक आपकी जबान कड़वी ना हो अच्छा जो जबान जी है ट्रूअन में विजन है ट्रू सेम लाइक दिस सही सही अच्छा ट्रू तो सारी गला इलाही मुश्किल समझदा त इया जका टेक्निक जमाल साहब बुधाई इलाही सुठी आए त करेलन की ग्राइंड करे पानी में विझी करे पैर विझी वही रहो जस ताई ताके जबान में कड़वाहट फील न थे तेसी ताई जो कोई ता उनमें पैर जो है विझी रखी छो पर मसलो की रखी ने माने अंदर कोई मसाज करे मतलब जो कोई हो जो मसाज करे बहरहाल प्रोग्राम जो टाइम भी जो खत्म थी वो है लगभग मैसेज वठंदासी जल्दी जल्दी में
आप कोई मैसेज देना चाहें व्यूअर्स को? मैं बस यही कहूंगी कि अपनी ख्वाहिशात को महदूद रखें और अपने क्यों को पहचाने, क्यों, जब क्यों आपको पता चल जाए ना कि वाई, तो फिर आपके तमाम मकसद आपके सामने होंगे और आप उसको हासिल कर लेंगे। बिल्कुल, आप पॉजिटिव सोचो, कंहिंजे लाइ बि तव्हां नेगेटिव न सोचो, त अलाह ताला तव्हांजा मसला पाण ई हल कंदो। तव्हां फिक्र न कयो, तव्हां घणो सोचो न, जेतिरो सोचींदा एतिरा मसला वधंदा, मसला खुटंदा, तव्हां अलाह त छॾे ॾींदो, मसला पाण ई हल थींदा। ॾाढी सुठी ॻाल्हि। बहरहाल प्रोग्राम जो टाइम ख़तमु थियो, तव्हां ॿिन्हिनि जी वॾी वॾी महिरबानी, तव्हां सां प्रोग्राम में आयो, शामिल थियो, ऐं ईअं ई वरी ईंदा रहिजो। सुभाणे ताईं न यार, केॾी आदत पइजी वई आहे, सुभाणे ताईं ॾिसो, माना सुभाणे छुटी वारे ॾींहं में मां तव्हां सां मिलण थी चाहियां, पर न, असां रही ज़िंदगी त वरी मंडे ते मिलंदासीं, मंडे टू फ्राइडे रंगनि भरी शाम में तव्हां सां गॾु हूंदासीं। 4-6 लाइव प्रोग्राम हूंदो आहे असांजो, ऐं मंडे ते वरी किन नवनि महिमाननि सां, किन नवनि चेहरनि सां, किन नवनि ॻाल्हियुनि सां, किन नवनि मुल्कनि सां गॾु हूंदासीं। तेसि ताईं पंहिंजे ऐं पंहिंजे प्यारनि जो ख़्यालु रखिजो, दुआउनि में यादि रखिजो। अलाह हाफ़िज़।